मैं धीरज सिंह आप लोग का एस्टा डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कोस्ट गार्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल चैप्टर वाइज, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखो कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में रिपीट किया है, उन क्वेश्चन को हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी टाइप से मैं आपके सामने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज हम क्वेश्चंस करेंगे और यदि कोई भी क्वेश्चंस में लैंग्वेज होगा तो उसका केवल मैं आपको डेटा लिख के दे दूंगा। यदि आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर www.istaeducation.com पर आप जाके रिसीव कर सकते हैं। यदि आपको और दूसरी चीज़ के थ्रू आपको पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तीसरा तरीका आपके पास और भी होगा कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ अटैच होकर मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें केवल सॉल्यूशन पे फोकस करना है। जो भी क्वेश्चन होगा उसका डेटा मैं आपको समझा के भेजूंगा कि क्वेश्चन में किस टाइप का डेटा आता है, और इसी टाइप का डेटा आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है हमारा वेक्टर। बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको डेटा दे रखा है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस में टू के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू फोर आई कैप प्लस टू जे कैप और प्लस में के कैप। और हमसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि वेक्टर ए डॉट 2b का मान बताइए, कि वेक्टर a डॉट 2b का मान क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुल मिला के हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जाम में टैकल करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। a डॉट 2b है, कुल मिला के हमें यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। तो आप पहले यहाँ से दो कॉमन ले लीजिए, जैसे ही हमने दो कॉमन लिया तो आपके सामने बचेगा a डॉट b। हमारे सामने क्या बचेगा, ए डॉट बी। ए डॉट बी बहुत सिंपल सा तरीका है कि आई कैप का आई कैप के साथ गुना, जे कैप का जे कैप के साथ गुना और के कैप का गुना के कैप के साथ। तो अगर मैं यहां पे आई कैप का गुना आई कैप के साथ करूंगा तो एक गुने चार बराबर चार, दो गुने दो बराबर चार और माइनस दो गुने एक बराबर माइनस दो। तो चार प्लस चार बराबर आठ, आठ माइनस दो बराबर छह, तो 6 गुने 2 बराबर आपको आंसर कितना मिला, 12। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना है, 12। इसी स्पीड से हम लोग क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, मैं सारे क्वेश्चन आपको बेसिक नहीं कराऊंगा, हमारा एग्जाम में तरीका क्या होना चाहिए वो तरीके भी हम जल्दी जल्दी सीखेंगे। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस में टू जे कैप और माइनस में टू के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस में जे कैप और माइनस में के कैप। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि ए क्रॉस बी बताओ। अब इस क्वेश्चन के लिए बेसिक प्रोसेस ये है कि आप यहां पे डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को हमें जल्दी करना है तो हमें डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि डिटरमिनेंट सॉल्व करने में आपको ज्यादा समय लगेगा। तो उस समय को बचाने के लिए आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। तो मैं आपके सामने पहले ऑप्शन लिख देता हूं कि किस तरीके का ऑप्शन आपको एग्जाम में दिएगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है 6, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 3j कैप और प्लस में 3 गुने k कैप, थर्ड ऑप्शन आपके सामने है माइनस ऑफ 3j कैप और प्लस में 3 गुने के कैप, चौथा ऑप्शन आपके सामने है 2i कैप और प्लस में 2j कैप और प्लस में 2k कैप। तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को हमें पूरा सॉल्व नहीं करना था, आपको कैसे 2 सेकंड में एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना है वो तरीके हम यहां पे देखेंगे। आप एक बात समझिएगा, यदि आपने थोड़ा सा बेसिक पढ़ाई किया होगा तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी। ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है भैया,
ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है, ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है और ये बी के भी परपेंडिकुलर होता है। क्या बोला मैंने आपको कि ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है, ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और ये बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो आपको एक छोटी सी बात जरूर पता होगी, अगर कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों का डॉट जीरो के बराबर आता है। अगर कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों का डॉट जीरो। अब हमें एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है कि ऑप्शन में आपको भैया ए क्रॉस बी दे रखा है, ए क्रॉस बी, तो हमें उस ऑप्शन को ढूंढना है जो ए के साथ डॉट जीरो बनाए या फिर जो बी वेक्टर के साथ डॉट जीरो बनाए। तो पहला ऑप्शन तो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन आप देखिए, तीन गुने एक बराबर तीन और तीन गुने माइनस दो बराबर कितना, माइनस छह, ये जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब कि बी ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। हम एग्जाम में क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, यही चीजें तो हमें सीखनी है कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ ना, टीचर्स आपको केवल कॉपी भरवा देते, उसका कोई मतलब नहीं है। एग्जाम देने का तरीका यही है कि क्वेश्चन देखते ही आपको दो सेकेंड के अंदर कैसे करना है, और वही तरीके यहां पर आपको सिखाए जाते हैं। हम पहले यहां पे बच्चों को बेसिक पढ़ाते हैं कि जब तक हमें चीजों की जानकारी नहीं होगी तब तक हम ये सब भी चीजें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीजों को अप्लाई करने के लिए पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो ये तरीके आप एक सेकेंड में अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको यही चीज बोला कि ये वेक्टर ए के साथ भी परपेंडिकुलर है और ये बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, तो ये ए के साथ भी डॉट जीरो बनाएगा और ये बी के साथ भी डॉट जीरो बनाएगा। पहला ऑप्शन तो मैंने इसलिए कैंसिल तुरंत इसलिए किया क्योंकि ये वेक्टर है नहीं। बी वाले में हमने देखा कि अच्छा तीन गुने दो बराबर छह और तीन गुने माइनस दो बराबर माइनस छह, ये वेक्टर ए के साथ जीरो दे रहा है। बी के साथ देखते हैं, तीन गुने एक बराबर तीन और तीन गुने माइनस एक बराबर कितना, माइनस तीन, तो ये भी आपको जीरो दे रहा है। सी को भी चेक करते हैं, सी को माइनस तीन गुने दो बराबर माइनस छ और माइनस तीन गुने प्लस दो बराबर प्लस छ, माइनस तीन गुने एक बराबर माइनस तीन और माइनस तीन गुने माइनस एक बराबर प्लस तीन। तो आपने यहां पे क्या देखा कि बी ऑप्शन भी आपको जीरो दे रहा है और ये सी ऑप्शन भी हमें क्या दे रहा है, जीरो। तो इस केस में आप एग्जाम में फंस सकते हैं। जब भी आप इस केस में एग्जाम में फंसे तो हमें एक बात पता है कि डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर आपको रिजल्ट मिलेगा प्लस में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू थ्री कॉमा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू छ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 12। तो एग्जाम में हमसे ये पूछेगा कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बता दो, कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब इस क्वेश्चन करने के लिए आप एक छोटी सी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, इसी पे आपको लगभग दो से तीन क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। केवल एक छोटी सी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है, वो आपको पहले से पता होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि दो गुने ए स्क्वायर और गुने में क्या होता है भैया, बी स्क्वायर। ये केवल वैल्यू पुट हमें यहां पे करना था, आपको तुरंत से एग्जाम में जवाब मिल जाएगा। तो ये छोटा सा रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ये भी प्रूफ होके आता है, लेकिन जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं ना तो वहां पे हमें रिजल्ट को प्रूफ नहीं करना है, ये छोटी छोटी चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए। अब देखो यहां पे आप ए प्लस बी की वैल्यू आपको 12 दे रखा है तो 12 का स्क्वायर होता है 144, ए माइनस बी आपको 6 दे रखा है तो 6 का स्क्वायर होता है 36 बराबर, दो गुने ए बराबर आपको 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर हमसे पूछा हुआ है। 144 प्लस 36 कितना होगा भाई, 144 छः 50 180 के बराबर, और इधर बना आपका 9 गुने 2 बराबर 18, 18 गुने बी स्क्वायर, अगर 18 गुने बी स्क्वायर बराबर 180 है, इसका मतलब कि बी स्क्वायर बराबर कितना होगा 10।
अगर बी स्क्वायर बराबर 10, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ से हम बी बराबर क्या बोलेंगे, प्लस माइनस रूट 10। लेकिन यहाँ से एक बात जानने की आपको जरूरत है कि क्वेश्चन में हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉडुलस, और कभी भी मॉडुलस आपको माइनस में नहीं मिलता है, मॉडुलस हमें हमेशा किस में मिलता है, प्लस में। अगर मॉडुलस हमें हमेशा प्लस में मिलता है, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, रूट 10 के बराबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऊपर फिर से आते हैं। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होगा तो वो इस तरीके से भी जा सकता है, देख लो एक बार जल्दी से। ए क्रॉस बी हमसे पूछा, तो सिंपल सा डिटरमिनेंट भी सॉल्व कर सकते हो। डिटरमिनेंट किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले कॉलम में आई कैप का एलिमेंट, दूसरे कॉलम में जे कैप का एलिमेंट, और तीसरे कॉलम में आपको के कैप का एलिमेंट रखना पड़ता है। वेक्टर ए में आपको आई कैप का कोफिशियंट है 1, और वेक्टर बी में आपको भैया 2 दे रखा है। वेक्टर ए में जे का कोफिशियंट है 2, और वेक्टर बी में आपका 1 है। वेक्टर ए में के कैप का कोफिशियंट है -2, और बी में आपका है -1। तो सिंपल सा हमें यहां पे डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना है, आपको यहां से भी जवाब मिल सकता है। वो तो केवल मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दिया था कि अगर एग्जाम में आपके पास समय कम है तो आप इस तरीके से वहां पे जा सकते हो। तो आप खुद ही देखिए, यहां पे जब आई कैप पर एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो 2 - 1 बराबर -2, और इधर भी आपका कितना बन गया भाई, +2, और -2 + 2 बराबर कितना बन गया, 0। तो आई कैप का कोफिशियंट 0 आ गया। जे कैप के साथ माइनस लगाते, क्योंकि आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होंगी कि यहां पे लिखते हैं +-+। जे कैप पर जैसे एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो 1 - -1 बराबर -1, और 2 × -2 बराबर -4। -1 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, +3। के कैप पर जब एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो देखो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1 × 1 और 1 - 4 बराबर कितना बना, -3। तो आपको रिजल्ट यहां से माइनस कॉमन मिला, तो हम यहां से ये बोलेंगे कि अच्छा यहां पे बना 3 जे कैप और प्लस में 3 × के कैप। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये ऑप्शन सी इज करेक्ट है। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपको एग्जाम में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा कि ए क्रॉस बी जिसके साथ डॉट जीरो बनाएगा वही हमारा सही जवाब है, हमें पूरा डिटरमिनेंट वहां पे सॉल्व नहीं करना है। ये छोटे छोटे तरीके आपको पता होने चाहिए। अगर ये छोटे छोटे तरीके आपको पता है ना, तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो चलते आगे बढ़ते, 3 क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने रखे। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन हमें करने की जरूरत नहीं है, वही बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन इस पे पूछता हूं। मान लीजिए कि आपको भैया वेक्टर ए दे रखा है आई कैप -2 j कैप और प्लस में के कैप, वेक्टर बी आपको दे रखा है 4 i कैप और -4 j कैप और प्लस में 7 × k कैप। एग्जाम में आपसे ये पूछेगा वेक्टर ए का प्रोजेक्शन हमें बी पर निकालना भाई, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पर क्या होगा, या तो ए का प्रोजेक्शन बी पर पूछेगा या फिर बी का प्रोजेक्शन ए पर। अगर ए का प्रोजेक्शन बी पर पूछेगा तो हमें ये छोटा सा रिजल्ट यूज करना है, अगर बी का प्रोजेक्शन ए पर पूछेगा तो ये छोटा सा रिजल्ट हम यूज करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में ये वाला रिजल्ट यूज करना है। पहले ए डॉट बी निकाल लो, 1 × 4 = 4। देखो एग्जाम में लिखना ज्यादा नहीं होता है, केवल आपको मन में चीजें लेकर चलनी होती है। 1 × 4 = 4, -2 × -4 = +8, 8 + 4 = 12, और 12 + 7 = कितना हो गया भाई, 19। नीचे हमें बी का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो 16 16 32, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 + 32 = 81, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना है, 19/9। एग्जाम में आपका यही स्पीड होना चाहिए, इसलिए मैं आप देख रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमें कई ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रेजेंट करूं। चलते अगले क्वेश्चन पर, बहुत छोटी छोटी रिजल्ट ऐसे आपके एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। अच्छा, दो वेक्टर के बीच में यदि एंगल पूछे तो आपको क्या रिलेशन यूज करना है। हमें एक छोटी सी बात पता है
कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हमें यहां से भैया एंगल चाहिए, तो आप खुद ही बताओ कि क्या यहां से कॉस थीटा बराबर, आप नहीं बोल सकते कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और गुने में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। हमने यहां पे कुछ भी नहीं किया, ए डॉट बी आपका इधर ही है, ए बी को हमने डिवाइड कर दिया। ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वेक्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको यहां पे दो तीन चीजें बता दी, आपके एग्जाम में ए डॉट बी डायरेक्ट पूछ सकता है, ए क्रॉस बी पूछेगा। तो मैंने छोटा तरीका बताया कि एक सेकेंड के अंदर आपको एग्जाम में कैसे जाना है, क्योंकि ए क्रॉस बी ए के साथ भी परपेंडिकुलर और बी के साथ भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि ए के साथ भी डॉट जीरो बनाएगा और बी के साथ भी डॉट जीरो बनाएगा। अगर दो दो ऑप्शन मैच हो जाए फिर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना है ए क्रॉस बी। फिर मैंने आपको प्रोजेक्शन के बारे में बताया कि अगर ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर पूछे तो ए डॉट बी और नीचे आपको बी का मैग्नीट्यूड लिखना है। बी का प्रोजेक्शन ए पर पूछे तो तब भी आपको ऊपर लिखना है ए डॉट बी, लेकिन नीचे आपको लिखना होगा ए का मैग्नीट्यूड। फिर इसके बाद आपके एग्जाम में एंगल पूछ सकता है कि अगर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुने मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि वेक्टर ए आपको दे रखा है 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में k कैप, और वेक्टर बी हमें दे रखा है 2 गुने i कैप माइनस में j कैप और माइनस में k कैप। आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि a और b के बीच एंगल क्या होगा, सदिश a और सदिश b के बीच का कोण आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लेकिन इन क्वेश्चन का रिवीजन बच्चे नहीं कर पाते तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट करता है और जिनके चांसेस सबसे ज्यादा है एग्जाम में आने के। मैं एक तरीके से ये भी बोल सकता हूं कि इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, डिजिट भले आपका चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही होगा। अब देखिए, आप यहां पे अगर ए और बी के बीच आपसे एंगल पूछा तो हमें पहले कॉस थीटा बराबर लिखना पड़ेगा ए डॉट बी, 2 गुने 2 बराबर 4, 3 गुने माइनस 1 बराबर माइनस 3, तो हमने यहां पे लिखा 4 माइनस 3, 1 गुने माइनस 1 बराबर माइनस 1। तो आपने यहां पे क्या देखा कि अच्छा नीचे अगर कुछ भी मटेरियल आ जाए, और मुझे यहां पे एक चीज दिख चुकी कि 4 माइनस 3 बराबर 1 और 1 माइनस 1 बराबर कितना 0। अगर 0 के नीचे कोई भी मटेरियल आपको मिले, कोई भी मटेरियल, तो रिजल्ट आपको हमेशा कितना मिलेगा 0, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0। अगर कॉस थीटा की वैल्यू भैया 0 है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस के किस एंगल पर 0 मिलता है, पाई बाई 2 पर। इसका मतलब कि ए और बी के बीच में आपका एंगल कितना बना, पाई बाई 2। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस होता है एग्जाम में खासकर, वो है कोप्लैनर वेक्टर, कि अगर कोई भी तीन वेक्टर आपके समतली है तो आपसे किसी भी कांस्टेंट का मान पूछ सकता है या फिर किसी वेरिएबल का मान पूछ सकता है। तो उसमें एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं। मान लीजिए एग्जाम में आपको यदि कोप्लेनर से इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए, डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ही मिलेगा। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस में p गुने j कैप और प्लस में 3 गुने k कैप। एंड वेक्टर c इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 17j कैप और माइनस में 3 गुने k कैप। आपसे ये बोलेगा कि यदि ये तीनों वेक्टर कोप्लैनर है, कोप्लैनर का मतलब होता है समतली, और समतली का मतलब होता है कि एक ही तल में है, या तो ये xy प्लेन में होंगे, या तो ये yz प्लेन में होंगे, या फिर ये एक्स जेड प्लेन में हो सकते हैं, किसी भी एक प्लेन में ये तीनों वेक्टर हैं। अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिले और अगर आपको वर्ड दिख जाए कोप्लैनर, तो आपको ज्यादा दिमाग वहां पे नहीं लगाना है, केवल आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो कर देनी है, उससे आपको तुरंत से जवाब मिल जाएगा। तो मैं आपके सामने डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो करूंगा।
डिटरमिनेंट आपको कैसे लिखना है, पहले कॉलम में आई कैप का कोफिशियंट लिख दो, तो हमें यहां पे मिला दो दो दो, तीनों वेक्टर में दो दो मिला। दूसरे कॉलम में जे कैप का कोफिशियंट, तो हमने यहां पे लिखा 3p और यहां पे आपको भैया मिला 17। के कैप का आपको कोफिशियंट मिला 1, 3 और कितना -3। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें किसके बराबर करनी है, 0 के। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू बराबर 0 होगी ना, तभी ये तीनों वेक्टर आपस में कोप्लैनर होंगे, नहीं तो कोप्लैनर नहीं होंगे। ये बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन है जो आपको पहले से पता होंगे, लेकिन केवल मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं, केवल आपको रिकॉल करवा रहा हूं कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो ये मेन मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देखो एग्जाम का मतलब क्या है, क्लास में आप सारी चीजें पढ़ते हो या फिर जहां भी पढ़ते हो क्लास में आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इस वीडियो का मकसद एक ही है कि जब भी आप एग्जाम देने जाए ना, और आप मान लो कहीं ट्रेवल कर रहे हो 4 घंटे, आप कहीं पे बस में जा रहे हो, आपके पास रिवीजन का कोई भी साधन नहीं है, तो आप इस वीडियो को खोलकर देख सकते हो कि अच्छा हमने क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मकसद है कि केवल आपका मेन पॉइंट का रिवीजन हो जाए, क्योंकि आपने फिल्टर करके अभी पढ़ाई नहीं किया होगा। अब आप सामने देखिए, आपको इस डिटरमिनेंट को भैया सॉल्व करना है, तो कुछ भी हमें नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, इतनी सी बात सभी को पता होगी। अगर 2 पर एक्सपेंशन अप्लाई करें तो पी गुने -3 बराबर -3p, और 17 × 3 बराबर कितना होगा भैया -51। सही बात हमने लिखा। 3 पर एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो 2 × -3 बराबर -6, और 2 × 3 बराबर 6, -6 - 6 आपका बन जाएगा -12। अगर मैं 1 पर एक्सपेंशन अप्लाई करूं, 1 पर एक्सपेंशन अप्लाई करूं तो 17 × 2 बराबर 34, और 34 माइनस आपको कितना मिला 2p, तो हमने यहां पे लिखा 34 - 2p, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं कैलकुलेशन की हमारा सही है कि नहीं। 2 पर जब हमने अप्लाई किया तो -3p, और 17 × 3 बराबर 51, सही बात है। 3 पर जब हमने एक्सपेंशन अप्लाई किया तो 2 × -3 बराबर -6, और इधर भी -6 बना तो -12। 1 पर हमने अप्लाई किया तो 17 × 34 और -2p। पहले आप p को यहां पे लिख लो, तो यहां से आपको p मिल रहा है -6p, इसकी कहानी खत्म। यहां से आपको भैया मिल रहा है -2p, इस -2p की भी कहानी खत्म। अब केवल आपको कांस्टेंट पर ध्यान देना है, 2 × -51 होगा आपका -102, -3 × -12 आपका होगा +36, और 1 × 34 बराबर आपको मिलेगा 34, और इसकी वैल्यू होगी 0 के बराबर। इसका मतलब कि -8p बराबर 36, 34 आपका कितना होता है 70, और -102 + 70 बराबर -32, -32 को इधर लेकर जाएंगे तो आपका बन गया +32। अगर -8p = 32 है, यानी कि p = आपको कितना मिलेगा -4, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना है -4। तो वेक्टर के लिए आपके यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आपको केवल एक छोटा सा एग्जाम देना है, छोटे से एग्जाम के लिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैंने आपके सामने वेक्टर के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन रखे, इन्हीं सब क्वेश्चन को आप रिवीजन करके जाइए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब चलते दूसरे सेक्शन पर, बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस के हम लगभग 25 से 26 क्वेश्चन करेंगे, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि केवल क्वेश्चन कराने से आपको हो सकता है डिजिट वहां पे चेंज मिले, तो आप वहां पे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं आपके सामने कैलकुलस के क्वेश्चन लिखूंगा, और क्वेश्चन के थ्रू ही हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आपके सामने मैं पहले रख रहा हूं 2-3 क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है जिसका हमें डिफ्रेंसिएशन बताना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है d/dx of, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आसान होगा, d/dx of sin e^sin 3√x। मैं आपके सामने पहले कैलकुलस का 4-5 क्वेश्चन लिख भी देता हूं कि यदि आप वीडियोस देख रहे हो तो आप पहले ट्राई भी कर लो, फिर उसके बाद सोल्यूशन में आपको बारी बारी बताते रहूंगा। मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपसे एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, d/dx of sin log cos x। आप एक बार अपने से ट्राई कर सकते हैं भाई, क्योंकि आपने भी पढ़ाई किया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने मैं रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऐसा नहीं कि आपको केवल क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि आपको पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएगा, तो केवल हमें सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। आप पहले सॉल्यूशन करते रहिए, फिर मैं एक एक बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखूंगा। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1+x² और बटे में 1+x है, हमें इसका इंटीग्रेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने है, dx ऑफ, क्वेश्चन नंबर चार के ऊपर आप स्टार भी लगा सकते हो, क्योंकि इस वैरायटी के ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पे चेंज करके लिख रहा हूं, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि टीचर उन्हें रटवा कर भेजते हैं, अच्छा 1/(1+e^2) का इंटीग्रेशन मिले तो हमें कैसे करना है, या फिर कई बच्चे उसका आंसर भी रट के पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया कि आपके सामने एक की जगह दो लिख दिया और e^x में आपके सामने 3 से गुना कर दिया, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा फेमस है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक डिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन आपके सामने, इफ लिमिट 0 से a डीएक्स ऑफ 1+x² और इसका रिजल्ट भैया आपको दे रखा है π/2, तो हमसे एग्जाम में ये पूछेगा कि a की वैल्यू बता दो, कि यहां से a की वैल्यू क्या होगी, हमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इन सब क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते रहिए, मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मैं इधर प्रेजेंट कर दे रहा हूं, आप एक बार ट्राई करते रहिए, मैं बिल्कुल स्पीड में आपको धड़ाधड़ क्वेश्चन बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने भैया, dx बटे x² + 6x + 13, इसका हमें इंटीग्रेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने भाई, आप tan²x का इंटीग्रेशन बता दीजिए। मैं एक एक क्वेश्चन यहां पे हर कॉन्सेप्ट पे लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं यहां पे क्वेश्चन रिपीट करूंगा, साथ साथ में हमें कॉन्सेप्ट भी यहां पे सीखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इंटीग्रेशन ऑफ e^(tan−1x) एंड डिवाइडेड बाई 1+x² और आगे है dx। तो पहले आप इन 8 क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, और आपने ट्राई कर लिया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपसे बना भी नहीं होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है। केवल हम एग्जाम के समय एक दो दिन पहले सीरियस होते हैं कि अच्छा अब हमें पढ़ाई करना है, उससे एग्जाम कभी भी नहीं निकलता है। आप ये बात यदि आज नहीं जानेंगे तो जब आपकी उम्र निकल जाएगी तब आपको ये बात पता चलेगी कि अच्छा हमने उस समय गलती क्या किया था। ये भैया सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है कि आप केवल दो दिन पहले रिविजन करके जाके पेपर में कुछ भी लिख दीजिए और आपको वहां पर मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा यहां पर नहीं चलता है। ये कंपटीशन एग्जाम है, आपको पहले दिन से रिवीजन स्टार्ट करना होगा, तभी आपको एग्जाम के समय कॉन्फिडेंस होगा कि अगर एग्जाम में किसी भी कॉन्सेप्ट पर हमें क्वेश्चन मिले, कहीं से भी क्वेश्चन हमें मिले, हम वो क्वेश्चन जरूर करके आएंगे, क्योंकि यहां पे आपको फाइनल आंसर देना है। ये नहीं कि आपको वहां पे कॉपी भरना है, कॉपी भरने से आपका सिलेक्शन वहां पर नहीं होगा, केवल हमें छोटी छोटी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये चेन रूल पर आधारित है। यदि आपको चेन रूल के बारे में पता है, चेन रूल का मतलब क्या है कि जिस टाइप के फंक्शन आपको मिलेंगे उसी टाइप का हमें प्रोसेस यहां पे अपनाना है। पहला जो फंक्शन मिलेगा उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जो दूसरे टाइप का फंक्शन होगा उस पर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, जो तीसरे टाइप का फंक्शन होगा उस पर तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप देखो यहां पर भैया हमें पहले यहां पर साइन मिला है, साइन का फंक्शन, तो आप ये बताइए कि साइन का अवकलन क्या होता है। ये सभी को पता हो तो होगा कि साइन का अवकलन होता है कॉस। अब मैं आपके सामने रिजल्ट लिख रहा हूं कि साइन का अवकलन होता है कॉस। अब केवल यहां पे कॉसेक्स नहीं लिखना है, क्योंकि साइन के अंदर ये सब कुछ फंक्शन है। अगर ये साइन के अंदर सब कुछ फंक्शन है तो हमें कॉस के अंदर भी लिखना पड़ेगा। तो कॉस e^(e^2) आपको मिलेगा भैया sin√x। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, केवल दिखने में आसान है। इस साइन की कहानी खत्म हो चुकी, इस साइन की कहानी खत्म।
अब हम पहुंचे भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। e के पावर x के बारे में आपको पता है कि e के पावर x का अवकलन क्या होता है? e के पावर x का अवकलन होता है e के पावर x ही। तो मैंने यहां पे लिखा e के पावर साइन 3√x। e की भी कहानी खत्म हो चुकी। अब फिर से पहुंचे पावर में, फिर से आपको फंक्शन मिला साइन। अब साइन का अवकलन आपको पता होगा यार कि साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस। केवल कॉस एक्स नहीं लिखना है, क्योंकि साइन के अंदर उधर फंक्शन मिला 3√x, तो हमें कॉस के अंदर भी क्या लिखना पड़ेगा, 3√x। अभी भी कहानी खत्म नहीं है, साइन की कहानी खत्म हो चुकी। अब पहुंचे 3√x पर। जैसे आप 3√x पर पहुंचोगे तो 3 तो आपका कॉन्स्टेंट एज इट इज लिख दीजिए। रूट एक्स का आपको पता है कि रूट एक्स का भाई अवकलन क्या होता है, 1/2√x। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर है। केवल हमने काम क्या किया है, चेन रूल अप्लाई किया कि पहले इस साइन का अवकलन, फिर हमें इसके बाद मिला एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के बाद जैसे ही पावर पे पहुंचे तो यहां पे फिर से आपको साइन मिला, साइन के बाद फिर से आपको रूट एक्स मिला। तो इस तरीके से आपको चेन रूल वहां पे अप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन का देख रहे हो कितना बड़ा सा आंसर है। केवल ये चेन रूल हमें आना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, नहीं तो आप बिल्कुल भी वहां पे जवाब नहीं दे पाओगे। केवल आप वहां पे ताली बजा के चल दोगे घर वालों का पैसा बर्बाद करके, क्योंकि घर से जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके घर वाले किराया भी देंगे, रहने खाने का भी पैसा देंगे। आप वहां पे मस्ती करके घर से पहुंच जाएंगे, घर पे पहुंच जाएंगे, फिर पता चलेगा कि अच्छा रिजल्ट आएगा तो हम फेल कर गए, क्योंकि हमने मेहनत किया ही नहीं है। हम केवल ऐसे बैठे रहते हैं कि अच्छा अब YouTube पे कुछ आने वाला है, दो चार घंटे में देख के हम एग्जाम निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यदि आपने मेहनत से पढ़ाई किया होगा, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इस इन वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। केवल इससे ये पता चलेगा आपको। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका चेन रूल पर है, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हमें मिला भैया यहां पे साइन का फंक्शन। साइन का अवकलन होता है भैया कॉस, तो कॉस लॉग कॉस एक्स, कॉस लॉग कॉस एक्स हमने यहां पे लिख दिया। अभी हमने केवल साइन का किया है। साइन के बाद हमें मिला भैया लॉगरिदम फंक्शन। जैसे आप लॉग का अवकलन करते हो तो 1/फंक्शन मिलता है, और फंक्शन हमें यहां पे क्या मिला भाई, कॉस एक्स। फंक्शन हमें यहां पे क्या मिला है, कॉस एक्स। लॉग की भी कहानी खत्म। अब लॉग के बाद जब पहुंचे तो हमें मिला कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। इसकी कहानी खत्म। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो हमें केवल चेन रूल अप्लाई करने आना चाहिए। बारी बारी से एक एक फंक्शन का हमें अवकलन करना है। पहले हमने साइन का किया, फिर हमने लॉगरिदम फंक्शन का किया, फिर हमने यहां पे कॉस का किया, और इसकी कहानी हो चुकी खत्म। एग्जाम में थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है। यहां पे आंसर में आप देख लीजिए एक बार कि अच्छा यहां पे साइन बटे कॉस है, तो इस साइन बटे कॉस को रिप्लेस करके यहां पे क्या लिख देगा, माइनस ऑफ टेन एक्स, माइनस ऑफ टेन एक्स। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको एग्जाम में ये ऑप्शन में मिलेगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन पहला इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोगों के पास एग्जाम में पेशेंस नहीं होता है, सोचते यार कब तक हमें डिफरेंशिएशन करना है, इन सब क्वेश्चन को वो छोड़कर चले जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। क्या कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, कि जब भी ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री नीचे वाले फंक्शन की डिग्री से ज्यादा हो, अगर ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री नीचे वाले फंक्शन की डिग्री से ज्यादा हो, तो हमेशा आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर ही आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो आप केवल वहां पर टाइम पास करके चले आएंगे। इन सब क्वेश्चंस में मैंने आपको यही बोला कि अगर आपको एफ एक्स बटे जी एक्स टाइप का क्वेश्चन मिले, अगर एफ एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से ज्यादा है, तो आपको हमेशा पहले डिवाइड करना है। और आपकी कविता मैडम ने डिवाइड करना सिखाया होगा क्लास 8वीं में, कि अलजेब्रिक फंक्शन को हम कैसे डिवाइड करते हैं। लेकिन मैं आपके सामने डिवाइड करके लिख देता हूं। देखिए आप यहां पे, हमें 1 + x² में भैया 1 + x का भाग देना है, 1 + x का भाग देना है। तो पहले आप यहां पे x से गुना करेंगे, क्योंकि हमें x² बनाना है। तो आपको रिजल्ट मिला x + x². जब यहां पे प्लस प्लस मिलता था तो आप लिखते थे अच्छा माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हुआ, तो रिजल्ट आपके सामने क्या आ गया, 1 - x। अभी भी वेरिएबल कैंसिल नहीं हुआ है। इस डिवाइड का रूल क्या है कि जब तक वेरिएबल आपका पूरा का पूरा कैंसिल ना हो, तब तक आप डिवाइड करते रहिए किसी ना किसी नंबर से गुना करके।
अब मुझे यहां पे वेरिएबल के साथ माइनस एक्स दिखा, जब माइनस एक्स दिखा तो आपको यहां पे माइनस वन से गुना करना पड़ेगा, जब माइनस वन से गुना करेंगे तो माइनस वन और माइनस एक्स, यहां पे आप लगाएंगे प्लस और इधर भी प्लस, माइनस से प्लस कैंसिल और एक प्लस एक बराबर आपको यहां पे रिमाइंडर कितना मिला, दो। तो इस एक्सप्रेशन को अब हमें कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है। अब इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिखेंगे कि अच्छा हमारे पास कोशियंट बना एक्स माइनस वन और हमारे पास रिमाइंडर है भैया दो, और दो में हम किससे भाग लगा देंगे, फिर से एक्स प्लस वन से या फिर वन प्लस एक्स से, कहानी इसकी खत्म। अब देखो ये कितना सा आसान क्वेश्चन बन गया, ये सिंपल सा आपको इंटीग्रेशन यहां पे मिला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा कि एक्स स्क्वायर बाई टू, वन का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, और यदि आपको वन बाई एफ एक्स मिले, वन बाई एफ एक्स मिले तो रिजल्ट होता है लॉग में, तो आप आगे यहां पर लिखेंगे दो गुने लॉग ऑफ एक्स प्लस वन और आगे हम लगा देते हैं प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का जवाब है। केवल यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट ये सीखना था कि जब भी ऊपर का डिग्री ज्यादा हो और नीचे का डिग्री कम हो तो हमेशा आप वहां पे डिवाइड लगाइए, इस तरीके से हम डिवाइड वहां पे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीन की भी कहानी खत्म, और हमने बोर्ड भी बहुत अच्छे तरीके से गंदा कर रखा है, तो आप एक बार स्क्रीन शॉट लेके, मैं पहले तीन क्वेश्चन आपके सामने मिटा देता हूं, फिर आगे के क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन को टैकल करना है जब भी एग्जाम में आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले। तो ये सब आसान क्वेश्चन है यार, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। दिक्कत क्या कि हमने पढ़ाई किया ही नहीं, हम केवल 5 महीने सोए रहते हैं और बहाना बनाते रहते हैं कि यार हमारा एग्जाम नहीं निकला। अरे आपने पढ़ाई कितना की है कि आपके एग्जाम निकलेगा, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि लाखों बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, उसमें से कम 4,000-5,000 बच्चे, 10,000 बच्चे बहुत मेहनत करके जाते हैं, तो उन्हीं बच्चों का एग्जाम वहां पे निकलता है। ये आप बात आज नहीं समझेंगे तो बाद में आपको समझ में आएगी, जब आप 24-25 साल की उम्र में पहुंचेंगे तब। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार। इतना आसान नहीं है, आसान मैंने इसलिए नहीं बोला, आसान इसलिए बोला क्योंकि आप इस क्वेश्चन के वैरायटी रट के जाते हो, टीचर आपको रटवा के भेजता है कि अच्छा यदि 1/1 e^x मिले तो आप इसका रिजल्ट ये ध्यान रखना। हमें केवल कॉन्सेप्ट ध्यान क्या रखना है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इंटीग्रेशन में हमें यह बात पता है पहले से कि इसमें डिवाइड का कोई भी रूल नहीं होता है, हमें चीजों को या तो न्यूमरेटर में ट्रांसफर करना होता है या फिर हमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ता है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर चार में, भाई क्वेश्चन नंबर चार में आपको कुछ भी नहीं रटना है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप पहले e^x कॉमन लो, यदि e^x कॉमन लोगे तो आपको वेराइटी दिख जाएगा, या फिर e^x से आप भाग भी दे सकते हो, दोनों बातें एक ही है। अगर e^x से भाग देंगे तो इधर आपका रिजल्ट बन जाएगा 2 × e^-x और आगे बन गया +3, और ऊपर भी आपने e^x से भाग दिया तो रिजल्ट आपका क्या बन गया, e^-x। आसान क्वेश्चन नहीं है, मैं ये बार बार बोल रहा हूं। फिर उसके बाद आपको काम क्या करना है कि ये जो नीचे वाला फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर शामिल करना है। अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर शामिल होगा तो हमेशा रिजल्ट आपको लॉग में लिखना है। अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर शामिल होगा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं वो चीजें लिख नहीं रहा हूं क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है, केवल आपको चीजों को अरेंज करके वहां पे पहुंचाना है। मैंने आपसे यही बोला कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर शामिल होगा तो रिजल्ट हमारा होगा लॉग में। तो आप इसका डेरिवेटिव देखो, जब इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो 2 × e^-x का क्या होगा, −e^x। इसका मतलब कि हमें यहां पे एक्स्ट्रा -2 चाहिए। जब यहां पे आपको भैया एक्स्ट्रा -2 चाहिए ना, तो -2 से आपने ऊपर गुना किया तो -2 से हमें गुना कहां पे करना पड़ेगा, नीचे। सारा मामला सेट है, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर शामिल है, तो एक लाइन में आप यहां पे जवाब देंगे −1/2 log, और नीचे आपको फंक्शन मिला 2 × e^-x और आगे +3, कहानी खत्म। केवल इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन से आपने यह सीखा कि जब भी नीचे e^x हो और ऊपर आपको e^x ना दिखे, अगर ऊपर e^x होता तो हम ऐसा काम नहीं करते, वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है फिर। लेकिन जब भी ऊपर e^x नहीं होगा तो हमें इस तरीके से कॉमन ले लेना है या फिर आप भाग दे दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर चार की कहानी खत्म।
क्वेश्चन नंबर 5 से आसान कोई क्वेश्चन है ही नहीं। देखो यहां पर 1/1 + x² का इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। लिमिट आपको दे रखा भैया 0 से a और इसका रिजल्ट है π/2। आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन में पता है ये छोटी सी बातें हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं और कहानी वहां पे खत्म हो जाती है। तो जैसे आप यहां पे अपर लिमिट रखोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा tan इनवर्स a और माइनस में भैया tan इनवर्स 0 π/2 या थोड़ा सा क्वेश्चन आप करेक्ट भी कर सकते हो। अगर मैं यहां पे π/4 लिख दूं, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं कि इससे नहीं बनेगा, इससे बनेगा, रिजल्ट आ जाएगा इन्फाइनाइट और कुछ भी नहीं है क्योंकि tan π/2 की वैल्यू होती है इन्फाइनाइट। यहां पे आप π/4 कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। अब tan इनवर्स 0 के बारे में आपको पता है कि tan इनवर्स 0 हमारा कितना होता है भाई 0। इसका मतलब कि tan इनवर्स a की वैल्यू क्या है π/4। अगर tan इनवर्स a की वैल्यू π/4 है तो आप यहां से ये बोलेंगे कि अच्छा a बराबर हमारा क्या होगा tan π/4। अगर a बराबर tan π/4 है तो a की वैल्यू यहां पे कितनी होगी 1 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1। ऐसा मत सोचिए कि π/2 हमें नहीं आता है, उस पर रिजल्ट बन जाता है इन्फाइनेट, वो एग्जाम में नहीं आता है। अगर यहां पे π/2 होता तो आप बोलते कि अच्छा a बराबर tan π/2 और tan 90 की वैल्यू होती है इन्फाइनाइट, तो हम a का मान बता देते कि इन्फाइनाइट होगा और कुछ भी इसमें नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले आप छोटे छोटे रिजल्ट एग्जाम में ध्यान रख के जाइए। ये जो पार्शियल इंटीग्रेशन होता है आपको लोग नाम से भले नहीं बताते होंगे लेकिन ये वैरायटी आप जानते होंगे कि जब भी आपको इस वैरायटी का क्वेश्चन मिले dx/x² + a² तो आप रिजल्ट बताते हैं 1/a tan इनवर्स x/a और आगे प्लस c। जब भी रिजल्ट आपको ये मिले भैया dx√a² - x², तो ये साइन में रिजल्ट होता है लेकिन साइन में ध्यान रखिए कि वहां पे 1/a नहीं आता है। आप सिंपल सा लिखोगे साइन इनवर्स x/a और आगे आपका बन जाएगा प्लस c। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। अगर ये छोटे छोटे रिजल्ट आपको नहीं पता है फिर आप ऐसे क्वेश्चन वहां पे नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा रिजल्ट यहां पे और होता है जो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि अच्छा dx/x² - a² तो आप यहां से रिजल्ट क्या बताएंगे भाई 1/2a, 1/2a log x - a और बटे में x + a और आगे प्लस c। तो ये तीन वैरायटी आपके एग्जाम में बहुत फेमस है, चाहे आपके एग्जाम में ये आ सकता है, चाहे ये आ सकता है, चाहे इस पे। तो आपने इन वैरायटी में क्या देखा कि हमें पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जब तक आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाओगे ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर सभी को बनाने आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप थोड़ा सा यहां पे सीख लीजिए, मैं अलग से आपको बता देता हूं यहां पे। या बताने से पहले मैं थोड़ा सा मिटा भी देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं इन फॉर्मूले का, फिर वो तीनों क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो भैया बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाके एग्जाम निकलता है, केवल हवाबाजी में एग्जाम ही निकलता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b² तो हमें जब तक a² 2ab और b² नहीं मिलेगा तब तक हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते हैं। तो देखिए आप यहां पे, तो आपको यहां पे मिला भैया a² = x² और 2ab की वैल्यू 6x है। अगर 2ab की वैल्यू 6x है तो आप यहां पे b की वैल्यू देखेंगे तो b की वैल्यू 3 मिलेगी। अगर b की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते तो आप ये बात ध्यान रखिए, यदि x का कोफिशियंट 1 है, यदि x² का कोफिशियंट 1 है तो 6 का आधा जो होगा वही b की वैल्यू होगी। अगर यहां पे 8 होता तो b की वैल्यू 4, अगर यहां पे 10 होता तो b की वैल्यू आपको मिलती 5। तो 6 का आधा 3 वही आपका b है, b बराबर 3 है तो b² हमें जोड़ना पड़ेगा और b² हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर भैया आपको पता है कि 9 जोड़ेंगे 9 माइनस करेंगे और आगे आपका +13 वहां पे पहले से है ही। तो ये जो आपका इतना सांप वाला जो मटेरियल है ना, आप इसे यहां पे क्या लिखेंगे x + 3 का होल स्क्वायर और 13 - 9 = कितना होता है भाई 4। तो जब हमने इसका
परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो आपको मिला x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 4। क्वेश्चन की कहानी खत्म। तो आप यहां पे लिखेंगे भैया dx बटे x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 4 को आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो जस्ट मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, वही चीज यहां पे अप्लाई करना है। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहां पे a की वैल्यू आपको कितनी मिली है 2, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1/2 tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए। एक्स की जगह आपको मिला है x प्लस 3 और a की वैल्यू आपको मिली है 2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 1/2 tan इनवर्स x प्लस 3 बटे 2 और आगे प्लस सी। कहानी खत्म। मैं केवल आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, उसके आसपास जो वैरायटी है वो भी मैं आपको कंप्लीट करके सामने रख रहा हूं कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रॉपर्टीज आपका क्लियर है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप सारे क्वेश्चन वहां पे करके आओगे 100%। क्वेश्चन नंबर 7, इस पे भैया दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है और केवल ये एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आ चुका है, चाहे आपको टेन स्क्वायर एक्स मिले चाहे कॉट स्क्वायर एक्स, लेकिन इसी का दूसरा फॉर्म भी है 1 + cos 2x बटे 1 - cos 2x या फिर 1 - cos 2x बटे 1 + cos 2x, क्योंकि जब उसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा। तो एक क्वेश्चन तो मैं आपको ये करा रहा हूं और एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा 1 + cos 2θ वाले पे, देखते हैं दोनों। टेन स्क्वायर एक्स का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप आंख बंद करके सोचिए कि ऐसा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला है जिसका हमें रिजल्ट पता है। तो टेन स्क्वायर का किसी को भी इंटीग्रेशन नहीं पता है, लेकिन आपको sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है। अगर tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है तो आप उसे sec स्क्वायर में चेंज करेंगे, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी पढ़ा होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वही दोनों प्रॉपर्टी यहां पे यूज होता है। अगर tan स्क्वायर मिले तो sec में चेंज करेंगे, अगर cot स्क्वायर मिले तो आपको cosec स्क्वायर में चेंज करना है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है tan x और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस cot। तो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो tan स्क्वायर x बराबर आप जानते कि क्या होता है, sec स्क्वायर x और माइनस 1 और आगे tx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है भाई tan x और 1 का इंटीग्रेशन आप यहां पे लिखेंगे x, तो tan x माइनस x और प्लस में c। इसी पे दूसरा वैरायटी में डायरेक्ट cot स्क्वायर नहीं लिखूंगा, दूसरा फ्रेमिंग में आपके सामने क्वेश्चन का लिख देता हूं कि अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन ये है 1 + cos 2x, 1 + cos 2x और बटे में 1 - cos 2x और आगे भैया है dx, ये वैरायटी भी इसी पे बन जाता है, क्योंकि जब आप यहां पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन करोगे तो या तो रिजल्ट tan स्क्वायर में आएगा या फिर रिजल्ट cot स्क्वायर में। तो आपकी इतनी छोटी छोटी सी बातें पता होंगी। 1 + cos 2θ क्या होता है भाई, 2 cos² θ, और 1 - cos 2θ क्या होता है, 2 sin² θ। तो 1 + cos 2x क्या लिखेंगे आप, 2 cos² x और नीचे आप लिखेंगे 2 sin² x और आगे भैया आपका dx। इस दो से ये दो कैंसिल हुआ तो आपने क्या देखा, अगर ये मटेरियल ऊपर होता ये मटेरियल नीचे तो रिजल्ट आता फिर से टेन में, लेकिन मैं दूसरा फ्रेमिंग आपके सामने लिखा। कॉस स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर आपका क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉट का रिजल्ट किसी को नहीं पता है तो आप इसे यहां पर लिखेंगे कॉसिक स्क्वायर एक्स और माइनस में 1 dx। कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स और 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी सेट में हर एग्जाम में मिल जाते हैं, चाहे आप एनडीए का एग्जाम दें, चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम दें, चाहे आप नेवी का एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप कोस्ट गार्ड का भी एग्जाम दें, क्योंकि वही क्वेश्चन मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं, ये जो कोस्ट गार्ड का एग्जाम है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपने पहले पढ़ भी रखे होंगे, लेकिन मैं केवल आपको ध्यान दिला रहा हूं कि जब भी आप एग्जाम देने जाए तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हो। ये वीडियोस आपको कब हेल्प करेगा, जब मान लीजिए आप ट्रेन से बनारस से आप जा रहे हैं तमिलनाडु एग्जाम देने, तो आप रात भर सो नहीं पाएंगे, रात भर आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि आपका अगले दिन एग्जाम है,
तो इससे बढ़िया तरीका है कि ये जो 10 घंटे या फिर 12 घंटे का वीडियोस होगा, आप इसको पार्ट वाइज एक बार रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। अब आते हैं एक क्वेश्चन आपके सामने, ये और बचा है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप हो सकता है कि मन में ही आंसर दे दिए होंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन है। अगर मैं यहां पे tan इनवर्स x को t मानूंगा, tan इनवर्स x को क्या मानूंगा भाई, t, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x² और आगे dx/dt। इसका मतलब कि इतना सा जो मटेरियल होगा, ये मटेरियल आपका क्या बन जाएगा, dt, ये मटेरियल आपका बन गया dt। तो आप इसके आगे यहां पर लिखेंगे e के पावर t और आगे आपका dt है। e के पावर t का डिफरेंशिएशन भी e के पावर t होता है और e के पावर t का इंटीग्रेशन भी e के पावर t होता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो e के पावर t, लेकिन t तो आपने अपनी तरफ से माना था, तो t को आप किससे रिप्लेस करेंगे, tan इनवर्स x, तो e के पावर tan इनवर्स x और आगे प्लस c है। तो मैं केवल आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर वाकई में आपको डिफेंस में फ्यूचर बनाना है तो एस्टा डिफेंस अकेडमी से बेहतरीन ऑप्शन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, चाहे ये पढ़ाई हो, चाहे आपका खेल कूद हो, चाहे खाने की बात हो, चाहे रहने की बात हो, हर चीज आपको यहाँ पे बेस्ट मिलेगा। फैकल्टी अपने आप में सबसे बेस्ट है, आपको क्लास में जब भी आप क्लास लेंगे तो आपको यहाँ पे आनंद भी आएगा और पढ़ने का मन भी करेगा। खाने की बात आप मत सोचिए, खाना आपको बेस्ट वही मिलेगा जो खाना हम भी खाते हैं, तो आप खाने की टेंशन नहीं लेंगे, हम यहाँ पे खुद हैं, 24 घंटे यहाँ पे टीचर रहते हैं, जो भी चीजें आपको दिक्कत होगी उन दिक्कत को यहाँ पे दूर किया जाता है तुरंत। तो आपको अगर मान लीजिए कोई एग्जाम देना है और यदि आप रेडी अभी नहीं बैठे हो और आपको तैयारी करनी है तो कहीं नहीं जाना है, सीधा आप बैग पैक करिए और यहां पर चले आइए, मैं आपको वैशाली में रिसीव कर लूंगा, इससे कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है, बस फीस लेकर चलिए और यहां पे आके आपको कोई टेंशन नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और, अभी 7-8 क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिख रहा हूं, वैसे क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन समय थोड़ा सा कम है इसलिए इंपॉर्टेंट में भी जो इंपॉर्टेंट है वो हम करा रहे हैं यहां पे। तो लिखिए आप जल्दी से 1-2 क्वेश्चन और, जल्दी जल्दी से इसको आप ट्राई करेंगे, फिर मैं जैसे भी पहले बताया क्वेश्चन उसी तरीके से फिर से बताएंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे भैया ई के पावर एक्स 1/x - 1/x² और आगे dx। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 1/(x-1)(x-2) और आगे dx है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भैया आपके सामने ये है, हाँ मेन तो क्वेश्चन आपके सामने रह गया, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और प्लस में कॉस इनवर्स x, तो आपसे एग्जाम में ये पूछेगा dy/dx क्या होगा, dy/dx। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इफ y इज इक्वल टू √fx, फिर से भी आपको मिलेगा √fx, और ये टर्म आपका चलेगा इनफाइनाइट टर्म तक, तो आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि dy/dx बताइए। केवल ये नहीं कि कान में ईयरफोन लगा के सुनते रहे कि ये टीचर क्या बोल रहा है, आप इन क्वेश्चन को पहले ट्राई करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा समय लगता है, तो उन समय का आपको उपयोग करना है सॉल्यूशन करके खुद से, नहीं तो हम बताने के लिए है ही, आप इतना टेंशन मत लीजिए। 1-2 क्वेश्चन लिमिट का भी लिख देते हैं, लिमिट x → 0 मॉडुलस एक्स और बटे में एक्स। यहां से आपको मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा, समझा तो उतना आपको लिख के नहीं बता सकता क्योंकि समय कम रहते हुए केवल आपको छोटी छोटी चीजें जाननी है। अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने है क्या है, एक क्वेश्चन लिमिट का और लिख लीजिए, लिमिट x → 1 x + x² + x³ - 3 और बटे में आप लिखेंगे x - 1। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ x = 80² and y = 280 देन फाइंड द dy/dx, dy/dx आपको बताना है।
एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा साइड में और लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा लिखने का अंदाज यही है, एक लाइन में आंसर लीजिए और सिलेक्शन लीजिए, लेकिन उस एक लाइन के सॉल्यूशन के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी दिन रात मेहनत किया तब यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख पाते हैं, नहीं तो ऐसे हम लोग भी नहीं लिख पाते। अगला क्वेश्चन है भैया आपके सामने, एक सब्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स, और आपसे एग्जाम में यह पूछेगा कि यहां से डी वाई बटे डी एक्स क्या होगा। वाई का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में बताना है कि वाई का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा। ट्राई करते रहिए, आपने भी कहीं ना कहीं कोचिंग किया होगा, देखते कि आपको ये, आपके टीचर ने आपको कितना पढ़ाया, आप ये ट्राई कर सकते हैं। एक आध दो क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिख रहा हूं भाई, अरे बहुत क्वेश्चन है अभी तो अगले पेज पे भी, लेकिन पहले आप इतना क्वेश्चन एक बार कर लीजिए। अरे नहीं अभी ये तो कट हो जाएगा ना, हाँ ये इसलिए तो टेंशन नहीं है, नहीं तो मैं संभल के बोलता। एक आकर टॉफी उफी खा लो, है बिल्कुल है। तो भैया एक कोस्ट गार्ड है, एनडीए का कराऊं, एक भी क्वेश्चन नहीं लेगा फिर। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि आपने ट्राई कर लिया होगा, आपने अपनी ताकत लगा ली होगी, लेकिन अब आपको यह पता चल चुका होगा कि आपके टीचर ने कितना पढ़ाया। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप हमारे यहां जरूर आइए, आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता। पढ़ाई एकदम यहां पर टॉप क्लास की, और खाना भी एकदम टॉप क्लास का आपको मिलेगा, जिसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। संडे को आपको क्रिकेट खेलने का भी मौका मिलेगा, हर चीज यहां पर अवेलेबल है। तो देखिए यहां पर अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या भैया? अच्छा यहां से हमने क्वेश्चन लिखना शुरू किया था। हाँ ये जो पहले वैरायटी का क्वेश्चन है, केवल मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी आपको मैं समझाते हुए चल रहा हूं। क्या भैया? जब भी आपको e के पावर x fx और प्लस में f डैश x, अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको मिलेगा और आगे dx भी लगा लो, तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट करना है e के पावर x गुने fx और आगे प्लस c। हमें इस वैरायटी में केवल दो चीजों पर ध्यान देना है कि हमारा कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव शामिल है, तो उसी पे ये क्वेश्चन है। देखो आपको ये बात पता कि अच्छा फंक्शन है, यदि 1 बाई एक्स लेंगे तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि ये आपका फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट आप रिजल्ट क्या लिखेंगे? e के पावर x गुने फंक्शन, तो 1 बाई एक्स और आगे क्या लिख दोगे? प्लस सी। यहां पे आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे tan इनवर्स x और बगल में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे sin x और यहां पे cos x। यहां पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है sin इनवर्स x और बगल में 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो केवल आपको इसमें यह पहचान करनी है कि हमारा कौन सा फंक्शन है और कौन फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये दो चीजें आपको एग्जाम में देखनी है। तो पहला वैरायटी आपका क्लियर हो चुका होगा भाई, बहुत आसान सी वैरायटी है ये। आप ये चेक करते रहिएगा कि आपने जहां पे कोचिंग की है क्या ये टीचर कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, जवाब मिलेगा नहीं, देखते रहिए यहां पे। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड भैया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फिर से मैं आपको यही चीज बोलूंगा, यदि आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं है और फिर से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो एस्टा डिफेंस एकेडमी से बेहतरीन कोई भी ऑप्शन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, चाहे यहाँ पे खाने की बात हो, चाहे यहाँ पे पढ़ाई की बात हो, चाहे यहाँ पे खेल कूद की बात हो, चाहे यहाँ पे टीचर्स की बात हो, हर चीज आपको टॉप क्लास का मिलेगा भाई यहाँ पे। आप यदि तमिलनाडु में हैं तो हमारे आदमी वहां पर भी हैं, केवल आप फीस लेकर साथ में यहाँ पे चले आइए, आपका एडमिशन यहाँ पे तुरंत हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है भैया? आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, अभी ये सब क्वेश्चन भी देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए बहुत फेमस है, मैं केवल आपको यहाँ पे एक डिजाइन सिखाऊंगा, उस डिजाइन को बस थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या है? अगर मान लीजिए कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब सी,
और फंक्शन है आपका मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस सी और नीचे एक्स माइनस सी। दूसरा कंडीशन आपके एग्जाम में ऐसे मिल सकता है, एच टेंस टू सी प्लस, फंक्शन आपका वही है एक्स माइनस सी और नीचे भी आपका है एक्स माइनस सी। तीसरा कंडीशन आपका ये हो सकता है, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस सी और नीचे आपका है एक्स माइनस सी। अब आप बोलेंगे कि अच्छा ये प्लस माइनस आपने क्यों लगाया? मैंने इसलिए लगाया सी प्लस का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट और जहां पे माइनस लिखा हुआ मिले उसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर इस वैरायटी पे आपको भैया क्वेश्चन मिलेगा तुरंत से आपको जवाब देना है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इस कंडीशन में LHL और RHL बराबर नहीं आते हैं। जब LHL RHL बराबर नहीं आते हैं तो हमारा जवाब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। इस वाले वैरायटी में केवल RHL की बात हुई है क्योंकि लिमिट पे आपको प्लस मिला। अगर केवल RHL के बारे में पूछे तो आपको तुरंत से जवाब क्या दे देना है? प्लस वन। तुरंत से जवाब आपको प्लस वन देना है। ये माइनस का मतलब है LHL, LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आपको माइनस लिखा हुआ मिले और इस वैरायटी पर क्वेश्चन आए तो तुरंत से भैया आपको जवाब क्या देना है? माइनस वन। इसीलिए RHL LHL बराबर नहीं आते हैं तो ये एग्जैक्ट क्रिटिकल पॉइंट पर रिजल्ट आपको बताता है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि यहां पे सीमा का कोई अस्तित्व नहीं है। ये प्योर हिंदी है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आ जाओ इस पे आप मुझे खुद ही बताओ कि मॉडुलस एक्स का क्रिटिकल पॉइंट कहां पे मिलता है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि फंक्शन कहां पर जीरो होगा। तो ये जीरो कहां पर होगा भाई? जीरो पर ही होगा क्योंकि एक्स बराबर जीरो पर ही जीरो होगा। तो यहां पे भैया आपको एग्जैक्ट क्रिटिकल पॉइंट मिला। अगर ये एग्जैक्ट क्रिटिकल पॉइंट मिला तो आपका यहां पे जवाब होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर यहीं पर जीरो प्लस लिखा हुआ होता तो आपका इस क्वेश्चन का जवाब क्या होता? प्लस वन। अगर इसी पे जीरो के ऊपर माइनस लिखा हुआ मिलता तो इसी क्वेश्चन का जवाब क्या होता? माइनस वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चाहे आप कोस्ट गार्ड का एग्जाम दे चाहे आप एनडीए का भी एग्जाम दे, ऐसे क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में आते हैं क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते ये प्लस का मतलब क्या है और ये माइनस का मतलब क्या है। तो इसकी भी कहानी खत्म हो चुकी, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में आपने ये चीज पढ़ रखा होगा कि अच्छा पूरे गणित में सात इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, जब भी जीरो बटे जीरो या फिर इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट फॉर्म बनता है तो हम एल हॉस्पिटल यूज करते हैं। एल हॉस्पिटल नहीं, बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, हमें बोलना है एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि न्यूमरेटर का अलग से डिफ्रेंसिएशन करो और डिनोमिनेटर का अलग से डिफ्रेंसिएशन। फिर आप ये पूछेंगे कि अच्छा कब तक डिफ्रेंसिएशन करना है? जब तक जीरो बटे जीरो और इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा तब तक हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। तो आप पहले यहां पे वन रखेंगे तो एक प्लस एक तीन बन गया, तीन माइनस तीन बराबर जीरो और नीचे एक माइनस एक बराबर कितना बना? जीरो। तो जीरो बटे जीरो फॉर्म, और जबकि ये आसान है एक ही बार एल हॉस्पिटल आपको अप्लाई करना है। जब यहां पे डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में अप्लाई करेंगे तो आपका जवाब होगा वन प्लस टू एक्स और एक्स के पावर तीन का तीन एक्स के पावर दो। कॉन्स्टेंट का अवकलन होता है जीरो, एक्स का अवकलन वन और माइनस वन का अवकलन जीरो। तो केवल यही मटेरियल आपको मिलेगा। जैसे आप यहां पे एक्स बराबर वन रखेंगे तो तीन दो पांच और पांच प्लस एक बराबर कितना? छह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? छह है। दूसरा क्वेश्चन कराने का केवल एक ही मकसद था कि जब भी जीरो बटे जीरो, क्योंकि कोस्ट गार्ड के एग्जाम में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ज्यादा वहां पे टफ क्वेश्चन नहीं मिलते जीरो बटे जीरो या फिर इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट फॉर्म पे। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें वहां पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अच्छा एक्स बराबर एटी स्क्वायर है और वाई बराबर 280। तो हमसे ये पूछा कि डी वाई बटे डी एक्स क्या होगा। डी वाई बटे डी एक्स हमसे पूछा है। इस डी वाई बटे डी एक्स का मतलब भी आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपने जहां पे कोचिंग की होगी वहां पे केवल आपको रटवा देते हैं। और एस्टा डिफेंस एकेडमी का यही मतलब है कि आपको केवल कॉन्सेप्ट जानना है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए यहां पे इस डी वाई बटे डी एक्स का मतलब ये होता है कि वाई का आकलन एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें वाई का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं मिला, हमें वाई का फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में मिला है? टी के। तो इस क्वेश्चन में आप काम क्या करेंगे? अगर वाई का फंक्शन टी के रिस्पेक्ट में मिला
तो पहले आप निकालेंगे भैया डी वाई बटे डी टी, क्या निकालेंगे डी वाई बटे डी टी। डीएक्स भी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, एक्स का भी फंक्शन आपको टी में मिला तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा डीएक्स बटे डी टी। और ये दोनों बातें भैया सेम है, क्योंकि ये डी टी से डी टी आपका कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बटे डी एक्स ही आपको मिलेगा। तो देखिए यहां पे डी वाई बटे डी टी, इस फंक्शन का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है तो केवल आपको मिलेगा टू ए, क्योंकि टी का अवकलन बन जाएगा एक। डी एक्स बटे डी टी, एक्स का अवकलन टी के रिस्पेक्ट में, तो ए तो आपका कॉन्स्टेंट है, इसको एज इट इज रखो, टी स्क्वायर का बनेगा आपका टू टी। इस टू ए से टू ए कैंसिल हुआ तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब कितना है, वन बाई थ्री। केवल ये एक एक लाइन के आपको जवाब पता होने चाहिए कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इतने की कहानी खत्म हो चुकी है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब ये जो अगला क्वेश्चन आपके साथ, भाई यहां पे चार नहीं है, यहां पे ये वाई है। ये जो अगला क्वेश्चन है इस पे तीन क्वेश्चन फेमस है, उन तीनों क्वेश्चन पर आपको जानकारी होनी चाहिए। या तो आपके एग्जाम में y बराबर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आएगा, या फिर आपको एग्जाम में मिलेगा y बराबर टेन इनवर्स x। बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन दो से तीन बार एनडीए में भी आ चुका है, लोगों का वहां पे दिमाग काम नहीं करता है क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं है। अगला जो वेराइटी है उसका ये आ सकता है, sec इनवर्स x और प्लस में cosec इनवर्स x। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो इन तीनों रिजल्ट का जो जवाब आता है वो आता है पाई बाई टू। अगर कभी भी आपको ये तीनों वैरायटी दिखे तो आपको धड़क से वहां पे लिखना है कि अच्छा वाई बराबर कितना होगा, पाई बाई टू। अगर वाई बराबर पाई बाई टू है तो इतनी सी बात आप जानते हैं, कितनी सी बात, इतनी सी बात कि अगर किसी भी कॉन्स्टेंट का हम अवकलन करें या फिर डिफ्रेंसिएशन करें तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है, जीरो। तो जब भी आपको इन तीनों फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन पूछे, अवकलन पूछे, तो आपको तुरंत से टिक वहां पे क्या करना है, जीरो पे, नहीं तो फिर आप वहां पे परेशान रहेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करें। इस वैरायटी की भी कहानी खत्म। हाँ, एक इंपॉर्टेंट वैरायटी यहां पर है, अगर कभी भी भैया आपको इस वैरायटी पर क्वेश्चन मिलेगा, देखो अभी तो हमारे पास थोड़ा सा समय कम है, ये 10 घंटे का वीडियो या जो भी 10-12 घंटे का होगा ये आपके सामने क्यों लाया जा रहा है। अगर मान लीजिए आपको कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है एग्जाम देने, तो आपको जाने में 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लग सकते हैं, तो उस 2-3 दिन में आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि आपको पता है कि अगले दिन हमारा एग्जाम है। जब नींद नहीं आएगी तो उससे बढ़िया है कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए ये वीडियो आप देख सकते हो। अब देखिए आगे, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और टर्मो इनफाइनाइट तक तभी अप्लाई करेंगे, ये एरर आप सुनते रहिए, नहीं तो एग्जाम में आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले तो आपको यहां पे तुरंत से धड़ाक से जवाब देना है कि अच्छा इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखेंगे और नीचे आपको क्या लिखना भाई, 2y-1 f(x) बटे 2y-1। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, चाहे एफ एक्स की जगह लॉग एक्स हो, चाहे साइन एक्स हो, चाहे टेन एक्स हो, चाहे कॉस एक्स हो, चाहे ई के पावर एक्स हो, किसी भी टाइप का फंक्शन आ सकता है, केवल आपको इतना सही काम करना है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूं, अगर मान लीजिए y बराबर आपको दे दिया साइन x अंडर रूट में प्लस साइन x और ऐसे टर्म आपका चल रहा है इनफाइनाइट तक, तो आपको पता है कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। अगर साइन x का डेरिवेटिव cos x और नीचे आपको हमेशा लिखना है 2y-1, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, cos x बटे 2y-1। इसको ध्यान रखने से बेहतर है कि आप ये ध्यान रखिए, सिंपल सा इसका डेरिवेटिव ऊपर लिख देना, इसकी भी कहानी खत्म हो चुकी और हमने बोर्ड भी गंदा कर दिया, तो इससे बढ़िया कि एक बार थोड़ा सा मिटा भी देते हैं। दो क्वेश्चन आपके सामने और हैं, फिर एक बार मैं और क्वेश्चन लिखूंगा कैलकुलस का, फिर उसके बाद थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखेंगे और थोड़े से अलजेब्रा के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत फेमस है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पार्शियल इंटीग्रेशन का भैया, ये क्वेश्चन है पार्शियल इंटीग्रेशन का, पार्शियल इंटीग्रेशन का। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो एक ही अंदाज समझिए, इस अंदाज के बारे में कम लोग को पता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर नीचे आपका लीनियर फैक्टर होगा तो आप रिजल्ट पहले लिखेंगे लॉग में,
अगर लीनियर फैक्टर भैया आपका होगा तो आप पहले रिजल्ट लिखेंगे लॉग में, तो हमने यहां पे लिखा लॉग एक्स माइनस वन और दूसरे वाले के लिए हमने यहां पे क्या लिखा लॉग एक्स माइनस टू। इतनी सी बात आपको पहले लिख लेनी है, अभी अगले लाइन में आपको जवाब मिल जाएगा। आप मुझे ये बताइए ये किस एक्स के मान पर जीरो होगा, तो आपका जवाब होगा वन पे। तो इसको छोड़कर आपको सभी जगह वन रखना है, इसको छोड़कर सभी जगह वन, तो वन माइनस टू बराबर माइनस वन, तो यहां पे आ गया माइनस वन। ये एक्स बराबर दो पर जीरो होगा, एक्स बराबर दो पर जीरो, अगर ये एक्स बराबर दो पर जीरो होगा तो इसको छोड़कर सभी जगह आपको एक्स बराबर दो रखना है, तो दो माइनस एक बराबर एक, एक बटे एक बराबर एक, तो ये रिजल्ट आ गया प्लस में। फिर इसके बाद आपको काम क्या करना है कि अच्छा ये लॉग एम माइनस लॉग एन है, तो आपको पता है कि लॉग एम बाई एन होता है, तो बताइए आप क्या लिखेंगे। एम की वैल्यू एक्स माइनस टू और एन की वैल्यू एक्स माइनस वन और आगे आपका बन गया प्लस सी। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वैसे कई टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं लेकिन आपके एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट किया हुआ एग्जाम में, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट किया है वही क्वेश्चन हम आपके सामने करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे तो डायरेक्ट आप कर नहीं सकते कि अच्छा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर नानी याद आ जाएंगी आपकी कि इसमें क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, मुझे यहाँ पे एक रिजल्ट पता है कि अच्छा वन माइनस टेन थीटा बटे वन प्लस टेन थीटा क्या होता है, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। तो यहां से हमने ये देखा कि ये जो एक्स है ना, इस एक्स को भैया रिप्लेस करना पड़ेगा टेन थीटा से। अगर इस एक्स को टेन से रिप्लेस करोगे तो ये रिजल्ट आपका बन गया टेन इनवर्स वन माइनस टेन थीटा और बटे में आपका होगा वन प्लस टेन थीटा। इसके बारे में आपको पता होगा कि टेन इनवर्स, आगे रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, टेन पाई बाई फोर और माइनस में थीटा, इस टेन से ये टेन इनवर्स कैंसिल, तो वाई बराबर पाई बाई फोर माइनस थीटा भी मिला है। अगर वाई बराबर पाई बाई फोर माइनस थीटा तो थीटा बराबर आप यहां से क्या लिखेंगे, माइनस में टेन इनवर्स एक्स। अब डी वाई बटे डी एक्स निकाल दो, कॉन्स्टेंट का अवकलन जीरो, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं, चार पांच क्वेश्चन में कैलकुलस का आपके सामने और लिख रहा हूं, फिर उसके बाद डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे। और ये जो चार पांच क्वेश्चन है ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ प्रॉपर्टी बोल देता हूं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर आप एयरफोर्स का भी एग्जाम देंगे ना, अगर 25 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपका ये कंफर्म, एक नंबर आपका यहां से पक्का जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपसे ऑर्डर या डिग्री पूछे, ऑर्डर या डिग्री, तो हमें उस इक्वेशन में यह देखना है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ। इक्वेशन में जितनी बार डिफरेंशिएशन होगा वही हमारा ऑर्डर, इक्वेशन में जितनी बार डिफरेंशिएशन होगा वही हमारा ऑर्डर होगा, वही हमारा कोटि होगा। अब आप पूछेंगे ये कि अच्छा बताइए डिग्री क्या होता है, डिग्री बहुत आसान है, जिस टर्म से आप ऑर्डर देखेंगे, ये कहानी मेन है, जिस टर्म से आप ऑर्डर देखेंगे उसी टर्म के पावर में संख्या देखनी है, उसी टर्म के पावर में संख्या देखनी है कि पावर में संख्या क्या है, वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं दो क्वेश्चन, आपको दोनों क्वेश्चन में भैया ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, दोनों क्वेश्चन में भैया आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, डी टू वाई बट्टे डी एक्स टू, डी टू वाई बट्टे डी एक्स टू के पावर तीन प्लस आठ गुने डी वाई बट्टे डी एक्स के पावर तीन इज इक्वल टू में एक्स के पावर तीन इन टू लॉग डी टू वाई बट्टे डी एक्स टू। आहा, ये जो क्वेश्चन है ना आप करिए एक बार, 99% टीचर भी जल्दीबाजी में गलत कर देंगे, देखिएगा क्यों।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके सामने लिख रहा हूं, आप एक बार ट्राई करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है ये। हमने बीच में थोड़ा सा इसलिए ब्रेक लिया था क्योंकि आपका समय बचे, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया। लगभग आपके सामने 7 क्वेश्चन लिखे गए हैं, इन 7 क्वेश्चन का जवाब आपको तुरंत से मिलेगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो उस इक्वेशन का ऑर्डर होगा 3। जिस टर्म से हम ऑर्डर देखते हैं उसी के पावर में जो संख्या होगी वही उस इक्वेशन का डिग्री होगा। तो आइए बोर्ड पे, तो आप मुझे खुद ही बताइए कि इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो आपका जवाब होगा 2 बार। तो हमने इस क्वेश्चन का ऑर्डर देना है 2। इस क्वेश्चन का ऑर्डर है भैया 2। अगर इस क्वेश्चन में डिग्री पूछे, भैया इस क्वेश्चन में डिग्री पूछे, अगर इस क्वेश्चन में डिग्री पूछेगा फिर आपको काम क्या करना है। अब कई लोग यहां पे क्या करेंगे ना, अच्छा इसके पावर 3 मिला तो डिग्री 3 है ना। एक मटेरियल आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको लॉग के अंदर केवल डिग्री के लिए कंडीशन है, ऑर्डर के लिए कोई भी कंडीशन नहीं होता है, और कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डी वाई बटे डी एक्स मिले, लॉग डी वाई बटे डी एक्स या फिर साइन के अंदर डी वाई बटे डी एक्स मिले, तो आपको डिग्री के बारे में बोलना है नॉट डिफाइंड। डिग्री के बारे में बोलना भैया आपको नॉट डिफाइंड, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा कंडीशन ये है कि जब भी आप ऑर्डर निकालेंगे, कोई भी केस नहीं है, ऑर्डर के लिए केवल यही देखना है कि इक्वेशन में कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ। तो आप मुझे खुद ही बताओ कि इक्वेशन में कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, 2 बार। तो अगर आपका जवाब है 2 बार, इसका मतलब कि इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 2। अगर इस इक्वेशन का आपसे डिग्री पूछे भैया डिग्री, अब यहां पे फिर से लोग गलती करेंगे, अच्छा इसके पावर 3 मिला तो डिग्री 3 है ना। फिर से डिग्री का दूसरा कंडीशन, कभी भी किसी डेरिवेटिव के ऊपर पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी डेरिवेटिव के ऊपर पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में होगा तो उससे पहले हम कंप्लीट नंबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप इधर भी पावर 2 कर दो तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, इधर पावर 2 करेंगे तो यहां पे बन गया 6। तो जिस टर्म से हमने ऑर्डर निकाला उसी टर्म के पावर में हमें संख्या देखना है, तो उसी टर्म के पावर में संख्या हमने देखा तो इस क्वेश्चन का डिग्री कितना है 6। तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, इसमें केवल आपको ऑर्डर बताना है। तीसरे और चौथे क्वेश्चन में केवल ऑर्डर बताना है। ऐसा नहीं कि हम डिग्री यहां पे नहीं बता सकते, लेकिन आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा तभी आप यहां पे डिग्री बता सकते हो। अब दूसरा कंडीशन सुनना कि अगर इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो आप डिफरेंशिएशन करते हो, अगर इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन कितनी बार करते हैं, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट मिले। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या है कि कितने डिफरेंट कांस्टेंट मिले, जितने डिफरेंट कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, और जितनी बार डिफरेंशिएशन होगा वही हमारा ऑर्डर होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आप देखिए कितने कांस्टेंट है, एक तो मिला ए, दूसरा बी और तीसरा आपको क्या मिला सी। तो इस इक्वेशन में 3 कांस्टेंट है, इसका मतलब कि इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी आपसे ऑर्डर पूछे भैया ऑर्डर, तो एक कांस्टेंट आपको ए मिला, दूसरा कांस्टेंट बी, तो इसमें कितने डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट मिले, 2। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑर्डर है वो 2 है। अब आगे आ जाइए, ये दोनों क्वेश्चन भैया गांठ बांध लो, ये एग्जाम में यदि मिनिमम और मैक्सिमम का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन अच्छा मैं और लिख देता हूं, ये भी बहुत आता है भाई, फाइंड द मिनिमम वैल्यू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 का ही पूछ लेगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब आपको काम क्या करना है, इन दोनों वैरायटी के लिए आपको छोटे छोटे रिजल्ट ध्यान रखने, क्या अगर कभी भी आपके सामने लिखा हुआ है ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स, चाहे बीच में प्लस हो चाहे बीच में माइनस, अगर आपसे एग्जाम में मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो आपको जवाब देना माइनस ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अगर एग्जाम में आपसे भैया मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो आपको जवाब देना है अंडर रूट में ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। पहली वैरायटी ये। दूसरी वैरायटी इसके लिए, दूसरी वैरायटी यही है ना भैया, दूसरी वैरायटी हाँ सही है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे टेन स्क्वायर थीटा है और कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि लीनियर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट बनता है और परफेक्ट स्क्वायर पे मिनिमम बनता है जीरो, इसलिए इस पे क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ पे, अब अगर आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले भाई ए टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में बी कॉट स्क्वायर थीटा और इसका आपसे मिनिमम वैल्यू पूछे भाई कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आपको जवाब देना दो गुने रूट ए बी। क्या जवाब देना भाई? दो गुने रूट ए बी। ये ए एम और जी एम के कॉन्सेप्ट से आता है, लेकिन प्रूफ अभी नहीं कराऊंगा, केवल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू पूछा है तो ये पांच तो कुछ भी यहां पे चेंज नहीं करेगा, जो हमारा चेंज होगा वो यहां पे होगा। तो केवल फंक्शन के बारे में हमें पहले देखना है। तो यहां पे ए की वैल्यू तीन है, बी की वैल्यू चार, चार का स्क्वायर सोलह और तीन का स्क्वायर नौ, सोलह नौ कितना बन जाएगा पच्चीस, आगे माइनस लगा दो तो यहां पे आ जाएगा माइनस पांच, यही आएगा माइनस पांच और फिर से आगे आपको पांच जोड़ देना है। इसका मतलब कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? जीरो। पहले हम फंक्शन का निकाल के जो कांस्टेंट उसके आगे होगा उसको हम जोड़ देंगे। अगर यहां पे मैक्सिमम पूछा होता तो कुछ भी नहीं करना है, बस प्लस लगा दो तो इतने की मैक्सिमम वैल्यू होगी पांच और आगे आपको कॉन्स्टेंट भी मिला पांच, तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बता दोगे? दस, कि पांच प्लस पांच बराबर कितना होगा? दस। दूसरे क्वेश्चन में यदि आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो आपको काम क्या करना है? दो रूट ए बी, मतलब कि चार गुने नौ बराबर छत्तीस, छत्तीस का वर्गमूल होता है छ और छ गुने दो बराबर कितना? बारह। इसका मतलब कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? बारह। आगे देखिए। अच्छा, इसमें तीसरा क्वेश्चन भी है। अगर मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू पूछे भैया बहुत खतरनाक है। अगर मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू पूछे, ध्यान से सुनना, मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू पूछे तो हमेशा जवाब देना है जीरो। लेकिन एक्स के किस मान पर पूछेगा तो हमें क्रिटिकल पॉइंट जवाब देना है। क्या जवाब देना है? क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां पे केवल मिनिमम वैल्यू पूछा है, अगर मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू पूछे तो धड़ाक से आप जवाब क्या दे देंगे? जीरो। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यह पूछा होता कि x के किस मान पर न्यूनतम मान होगा, x के किस मान पर न्यूनतम मान होगा, तो x माइनस चार बराबर जीरो, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जीरो है, तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? चार। तो चार पर तो ये मिनिमम है लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है? जीरो। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, फिर इसके बाद देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन और कुछ अलजेब्रा के। तो देखिए यहां पे, ये भैया डिफरेंशियल इक्वेशन का ही, और इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इस टाइप का इक्वेशन हमेशा मिलता है, और जब भी इस टाइप का इक्वेशन आपको मिले तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ध्यान रखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपको ध्यान रखना है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ध्यान रखेंगे ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। क्वेश्चन आसान नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, तो इसको थोड़ा सा आराम से देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। देखते हैं आराम से। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि कॉस एक्स इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। कॉस एक्स इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मतलब कि कॉस एक्स इसका समाकलन गुणनखंड है। तो देखो यहां पे, तो आप लिखेंगे अच्छा ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, और इसी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? कॉस एक्स। इसी की वैल्यू हमें दे रखी है कॉस एक्स। हमसे क्वेश्चन में पी के बारे में पूछा है कि यहां पे पी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको कैसे करना है? पहले हमें इस ई को हटाना पड़ेगा। अगर इस ई को हटाने चलेंगे तो आपको दोनों तरफ भैया लॉग लेना है। जब भी आपको पावर को नीचे लेकर आना है, मैथ्स में केवल एक ही रूल है कि दोनों तरफ आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहां पे लॉग लोगे तो लिखना पड़ेगा लॉग ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स,
और इधर आपको मिला भाई log cos x, log m के पावर n होता है n log m, तो यहां पे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और log e की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि बेस भी e होता है, बराबर में log cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू log cos x। अब हमसे यहां पे p की वैल्यू पूछा, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि p की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर इस p की वैल्यू हमें निकालनी है भाई, तो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, जैसे आप एक बात बताइए कि साइन x का या cos x का ही, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, और साइन का ही डिफ्रेंसिएशन क्या होता है cos x। ये कहानी सुनना, यही कहानी मेन है। मैंने आपसे यह बोला कि कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन हो सही है साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। इसका मतलब कि ये जो पी होगा ये लॉग एक्स का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स चलता है। तो लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो फंक्शन log cos x का डिफरेंशिएशन होगा वही वैल्यू किसकी होगी, p की। तो देखते हैं p की वैल्यू क्या आएगी। तो आप यहां पे बोलेंगे अच्छा log का 1 बाई cos x और इंटू में माइनस साइन x, तो p की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगा भाई, माइनस टेन एक्स। तो जो क्वेश्चन में आपसे p का मान पूछा था, इस p का मान है माइनस टेन एक्स। तो कैलकुलस के क्वेश्चन हमारी तरफ से आपके लिए इतने ही थे, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रिपीट करते हैं। अब मैं धड़ाधड़ आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कराता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में करने हैं। जल्दी जल्दी से हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान आसान। पहला क्वेश्चन आपके सामने भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा कॉट थीटा। सोचो कितना बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अगर केवल क्वेश्चन इतना सा होता तो बच्चों के लिए इजी होता, लेकिन आगे क्वेश्चन ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया कि अच्छा इफ थीटा बराबर 89 डिग्री तब इसकी वैल्यू बताओ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस में 2 गुने कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5π/6। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अच्छा एक्स का मान क्या होगा, यहां पर आपसे यह पूछेगा कि एक्स का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, तो आपसे a की वैल्यू पूछेगा कि a की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने है, इफ sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 4/5, तो हमसे एग्जाम में sec थीटा की वैल्यू पूछेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करते ही है, फिर मैं लगातार आपको क्वेश्चन बताऊंगा भाई। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो हमसे एग्जाम में यह पूछेगा कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा। सारे एक एक लाइन के क्वेश्चन है भाई, सारे एक एक लाइन के, आप एग्जाम में ऐसे ही एक एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन में इधर आपके सामने लिख रहा हूं, एक ही बार में लपेट देंगे भाई ट्रिग्नोमेट्री को। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 5 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री और गुने में tan 85 डिग्री, 85 डिग्री इसका मान निकालना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इसका मान बता रहा भैया, किसका मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 प्लस कॉट ए
माइनस कॉस ए के और इनटू में वन प्लस टेन ए और प्लस में सेके, इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। इसके लिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, एक दो, एक दो, तीसरा ऑप्शन तीन और चौथा ऑप्शन आपके सामने नन ऑफ दिस। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिखता हूं, फिर उसके बाद यही सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूं, यहां से देखना कितने कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, कितने कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने है, इफ सेवन साइन स्क्वायर थीटा, सेवन साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में तीन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर, तो हमसे ये पूछेगा कि यहां से टेन थीटा की वैल्यू बता दो कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जल्दी जल्दी से इन सब क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद अलजेब्रा के क्वेश्चन को धड़ाधड़ देखेंगे। आ जाते पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये वाला जो मटेरियल आपको दिया ना, थीटा बराबर 89 डिग्री, इसका कोई भी मतलब है नहीं। ये केवल क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, क्योंकि बच्चे सोचेंगे यार टेन 89 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कुछ भी नहीं, ये आपको ध्यान नहीं रखना था। आपको ये बात पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, वन, क्योंकि कॉसेक की वैल्यू वन बाई साइन, तो साइन से साइन कैंसिल। इसी प्रकार से कॉस इंटू सेक बराबर कितना बन जाएगा, वन। इसी टाइप से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन होता है। एंगल कुछ भी हो, चाहे 89 डिग्री दे, चाहे 189 डिग्री दे, चाहे 1089 डिग्री दे, एंगल कुछ भी हो, इस क्वेश्चन का जवाब हमेशा वन होगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, ये एग्जाम में कई बार आपको मिला भैया, कई बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला है। तो यहां से आप एक प्रॉपर्टी जानते हो कि अच्छा सर ने अभी तो बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। अगर ये पाई बाई टू होता है तो कुछ भी नहीं करना है। अगर दूसरे इक्वेशन में से मैं पहले को माइनस कर दूं, यदि दूसरे में से मैं पहले को माइनस कर दूं, तो साइन से साइन तो कैंसिल हो गया और दो माइनस एक बराबर एक, इसका मतलब कि आपको जवाब यहां पे मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स। फाइव पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई टू, फाइव पाई बाई सिक्स एंड माइनस पाई बाई टू, एलसीएम बना छे फाइव पाई और माइनस में थ्री पाई, कुल मिला के आप माइनस कर लेना पाई बाई थ्री बनेगा। अगर कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई थ्री, तो एक्स बराबर आपको मिलेगा कॉस पाई बाई थ्री। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका मतलब कि x का मान कितना है 1/2। पूरे फ्लो में चलना भाई, पूरे फ्लो में, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये। जो दोनों क्वेश्चन ये एक ही पर है, दो प्रॉपर्टी बता रहा हूं, गांठ बांध लेना, दो प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी ये, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दो ही क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे और यही दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं। पहले के ऊपर लगा लेना कम से कम 1000 स्टार, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अगर भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, तो टेन अल्फा गुने टेन बीटा बराबर वन होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी आपको और ध्यान रखनी है कि अच्छा साइन अल्फा बराबर कितना होगा, कॉस बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, तो टेन अल्फा गुने टेन बीटा बराबर वन और साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा। लेकिन अगर आपको ऐसा भी मिले कि टेन अल्फा गुने टेन बीटा बराबर वन, तो आपको रिवर्स भी ध्यान रखना है कि अच्छा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, 90। वो इसी पे क्वेश्चन है। अगर ये अल्फा है और ये हमारा क्या भाई बीटा, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम निकालो, 3a प्लस a बराबर 4a माइनस 26 डिग्री, और बराबर में भैया आप लिखेंगे 90 डिग्री। 4a बराबर आपका मिलेगा 90 प्लस 26 बराबर 116, 4 से भाग देंगे तो 4 गुने 2 बराबर 8 और 4 गुने 9 बराबर 36, इसका मतलब कि a की वैल्यू कितनी है, 29। a की वैल्यू है 29। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा, 585 का सम कितना होता है, 90। अगर आपको एग्जाम में 15 दिखे, तो एग्जाम में बगल में आपको जरूर 75 मिलेगा।
तभी इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है, नहीं तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं बना सकता। इसी पे एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा और फेमस है, टेन वन डिग्री इंटू टेन टू डिग्री इंटू टेन थ्री डिग्री और सीरीज जाता है 1089 डिग्री तक, तो उसका भी जवाब आपको वन देना है जब भी एग्जाम में आपको मिले। लेकिन कई बच्चे यहां पे जानते, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या किया है कि जब वो देखेंगे 85 5, अरे सर ने बताया था वन जवाब बनना, यहां पे 30 का पेयर नहीं बन पा रहा है। पहले पेयर का जवाब एक, दूसरे पेयर का जवाब एक, लेकिन टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, 1/√3, 1/√3। तो आपको ये दोनों रिजल्ट ध्यान रखने हैं, फिर आपके क्वेश्चन वहां पे जल्दी से खत्म हो जाएंगे, जल्दी से क्वेश्चन आप वहां पे खत्म कर सकते हैं। अब आते थोड़े से अगले टाइप पर क्वेश्चन पे, आते अगले क्वेश्चन पर। ये वाला जो वैरायटी है इसमें आपको तीन प्रॉपर्टी ध्यान रखने, वो तीनों प्रॉपर्टी मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी है साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। जब भी आपको इस वैरायटी पर क्वेश्चन मिले तो आपको तुरंत से जवाब देना है 1/4 साइन 3 थीटा। सेम रिजल्ट आपका कॉस पे बनता है, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा। तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट वहां पे लिखना है 1/4 कॉस 3 थीटा। अगली प्रॉपर्टी मैं बोल के निकल रहा हूं, यदि इन दोनों को भाग दोगे तो सेम प्रॉपर्टी टेन पे बनता है, लेकिन टेन वाले में केवल आपको रिजल्ट क्या मिलता है, टेन 3 थीटा, क्योंकि भाग देने पर 1/4 से 1/4 आपका कैंसिल हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन पे। अब आप मुझे खुद ही बताओ कि इसमें थीटा की वैल्यू क्या है, 20, तभी तो 60 - 20 बराबर कितना होगा 40, और यहां पे 60 + 20 बराबर 80। इसका मतलब कि इसमें थीटा बराबर है भैया 20 डिग्री, तो आप यहां पे लिखेंगे 1/4 × sin 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और 1/4 का गुना करोगे तो हमें जवाब क्या मिलेगा, √3/8। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है, कभी भी एग्जाम में ना इस टाइप के क्वेश्चन मिले, मतलब कि अलजेब्रिक फंक्शन, इसे प्योर ट्रिग्नोमेट्री नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री, कि जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको वहां पे कुछ भी नहीं करना, केवल वैल्यू पुटिंग कर देना है। वैल्यू पुटिंग में आप केवल ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए और कभी भी इन्फाइनाइट वाली वैल्यू नहीं लेनी है। अब आगे देखो, तो मुझे सबसे आसान मिलता है कि अच्छा अगर मैं यहां पे a बराबर 45 डिग्री रख लूं, a बराबर 45 रखेंगे तो 1 + 1/2 और आगे -√2, 1 + 1/2 और आगे +√2। a माइनस बी गुने ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 - 2 बराबर कितना बना, 2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है, अगला क्वेश्चन भी बहुत पैटर्न रिपीट करता है कि 7 sin² θ + 3 cos² θ = 4। हमसे क्वेश्चन में या तो tan थीटा पूछ लेगा, या तो cot थीटा, या तो sin थीटा, cos थीटा, कुछ भी पूछ सकता है। अब इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं कि हमें tan की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन भी आप पूरा tan में चेंज कर दो। तो tan में चेंज करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से भाग दे दीजिए। अगर मैं कॉस स्क्वायर से भाग दूंगा तो देखो उधर क्या बनेगा, 7 tan² θ और प्लस में 3, और इधर 1 cos² θ क्या होगा, sec² θ। sec² θ के बारे में आप जानते हैं कि ये बनता है 1 + tan² θ, तो हमने यहां पे लिख दिया 1 + tan² θ। 7 - 4 बराबर बन गया 3 tan² θ = में 4 - 3 = 1। मतलब कि tan² θ बराबर बना आपके सामने 1/3। दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप किसी को साइन क्रॉस में ब्रेक करके पहले साइन की वैल्यू निकालेंगे फिर टेन की वैल्यू निकालेंगे। अगर tan² θ = 1/3 है, एंगल का कोई भी कंडीशन ना दे, तो आपको प्लस माइनस दोनों लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में प्लस माइनस लगा हुआ मिला तो आपको वही जवाब लगाना है। मतलब कि tan θ = ±1/√3। अगर यहीं पे एंगल फिक्स कर देता कि मान लीजिए एंगल हमारा पहले क्वाड्रेंट में है, तो आप रिजल्ट देते प्लस में। अगर बोलता कि एंगल दूसरे क्वाड्रेंट में या फिर चौथे में, तो आपका जवाब होता माइनस में। तो कहानी इसकी भी खत्म।
तो ऐसे क्वेश्चन भैया आपको एग्जाम में मिलते हैं, एक दो क्वेश्चन आपके सामने और बच्चे हैं, उनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। भैया इसमें खतरनाक प्रॉपर्टी लगती है, क्योंकि आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। अगर वो वन होता है तो sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर के, तो sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर वन बाई के, कुछ भी नहीं करना इसमें। sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर यदि चार बटे पांच है तो sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होगा ठीक इसी का उल्टा, पांच बटे चार, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आता है एक के बराबर, तो ठीक आपको उल्टा लिख देना है। sec थीटा की वैल्यू पूछा तो दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर मिला टू sec थीटा और इधर मिल जाएगा चार चौका सोलह पच्चीस, इकतालीस बटे बीस आ रहा भाई, इकतालीस बटे बीस। अगर टू sec थीटा बराबर इकतालीस बटे बीस है तो आपसे sec थीटा की वैल्यू पूछा है, तो sec थीटा बराबर आप बोलेंगे 20 गुणे 2 बराबर 40, मतलब कि फाइनल आंसर है 41/40। एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का और लिखा है, ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कैसे तुरंत से करना है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखो कई टीचर आप इसको रटवा देते कि ऐसे करना, लेकिन जब क्वेश्चन चेंज होता है तो नहीं हो पाता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि कैसे हमें करना है। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, और साइन कॉस होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस और बेस बटे हाइपोटेनियस। जब यहां पे पी बटे एच लिखोगे, बी बटे एच लिखोगे, पी बटे एच लिखोगे, बी बटे एच, तो एच से एच हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। केवल हमें साइन में पी लिखना है और कॉस में हमें क्या लिखना होता है, बी। ये है कॉन्सेप्ट, रटना नहीं होता है। तो हमें पी और बी लिखना भाई, पी की वैल्यू चार है और बी की वैल्यू पांच है, पी की वैल्यू चार, बी की वैल्यू पांच, तो लिखो जल्दी से। तो पांच गुने चार बराबर बीस, माइनस तीन गुने पांच बराबर पंद्रह, पांच गुने पांच बराबर पच्चीस और तीन गुने पांच बराबर पंद्रह, बीस माइनस पंद्रह बराबर पांच और यहां पे बना पैंतीस, पांच बटे पैंतीस बराबर कितना होता भाई, एक बटे सात। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए, ये वेराइटी आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में जरूर रिपीट करेगा, तो आप इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा कि यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसके दायरे में भी आपको मैं क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूं कि अगर ये नहीं मिला तो आपको इस वैरायटी पे क्वेश्चन मिल सकता है, तो आप जरूर इसका रिवीजन करें। अब हम लोग चलते हैं अगले पोर्शन पर, अलजेब्रा वाले पोर्शन पर। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आपको लगता है कि हमें दोबारा कोचिंग करना चाहिए और तैयारी अच्छी करनी है, तो आप एस्टा डिफेंस अकेडमी में आ सकते हैं। इससे बेटर ऑप्शन आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, ना तो इससे बेहतर पढ़ाई और खासकर ना तो इससे बेहतर खाना, और यहाँ पे खेल कूद भी होता है, सब कुछ आपको यहाँ पे बेस्ट मिलेगा। इसीलिए यदि आपका सपना है डिफेंस में जाना, आपके घर वालों का भी सपना है आपके प्रति, तो उस सपने को सच करने के लिए हम दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, तो आप यहाँ पर जरूर आ सकते हैं। चलते हैं अगली वेराइटी पर, अलजेब्रा, अलजेब्रा पे चलते भाई, अलजेब्रा पे लगातार मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन लिखूंगा, फिर धड़ाधड़ आपको सोल्यूशन और इसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि केवल आंसर से मतलब हमें नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा आपको इससे मतलब रखना है। पांच छह क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं सीरीज का। पहला क्वेश्चन, छ के पावर एक बट्टे दो, छ के पावर एक बट्टे चार, छ के पावर एक बट्टे आठ, और ये टर्म चला इनफाइनाइट तक, तो इस सीरीज की वैल्यू बतानी है। दूसरा क्वेश्चन भैया आपके सामने ऐसा है ना कि आप चकरा जाएंगे देखकर, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है गुणोत्तर माध्य, माइनस सोलह एंड माइनस नाइन। अच्छे अच्छे लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करके आते हैं कि माइनस सोलह और माइनस नाइन का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इफ k माइनस वन कॉमा टू के प्लस वन एंड सिक्स के प्लस थ्री, सिक्स के प्लस थ्री आर इन जी पी, आर इन जी पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया, अगला क्वेश्चन इसी वैरायटी पे, इफ एन माइनस थ्री कॉमा फोर एन माइनस टू एंड फाइव एन प्लस वन आर इन ए पी, आर इन ए पी, तो हमसे भैया एन की वैल्यू पूछेगा कि एन की वैल्यू क्या होगी। तो ये पांच क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आपके सामने हैं, इस वैरायटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं,
कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने और लिख देता हूं। इफ एन सी आर कॉम्बिनेशन का प्लस में एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी टू एक्स प्लस वन, तो हमसे पूछेगा भैया x का मान बता दो। इन पांच क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं फिर चलेंगे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा स्पीड में हमें चलना है। भैया ये जो मल्टीप्लाई का चीज है ना, मल्टीप्लाई, आपको एक बात पता होगा, यदि मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो हम पावर को जोड़ देते हैं, यदि मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो हम पावर को जोड़ देते हैं। इसका मतलब कि पहले आपको क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, 6 के पावर 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 8 और ये टर्म भागा इन्फाइनाइट तक। इन्फाइनाइट सीरीज केवल आपका जीपी में बनता है, ना ही एपी में बनता है, ना ही एचपी में। तो अगर कोई भी पूछे कि जीपी में एस इन्फाइनाइट का फॉर्मूला बता दो, तो आपको बताना है ए अपॉन वन माइनस आर। ए का मतलब होता है पहला पद, मतलब कि फर्स्ट टर्म, और आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। तो ये चीजें हमें लिखनी है। पहला टर्म भैया आपको मिला 1 बटे 2 और कॉमन रेशियो भी 1 बटे 2, 1 बटे 2 से 1 बटे 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1। अगर इसकी वैल्यू 1 आई तो आप यहां पे लिखेंगे अच्छा 6 के पावर 1 और 6 के पावर 1 बराबर कितना बना 6। तो आसान क्वेश्चन है। अगर कभी भी दो नंबर का आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछे तो आपको जवाब देना है अंडर रूट में एबी, आपको जवाब देना है अंडर रूट में एबी। अगर 4 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन पूछा तो आपको जवाब देना है 6, क्योंकि 4 नवैया 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6। लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा लेना, क्योंकि कई लोग वहां पे मिस्टेक क्या करेंगे देखना, वो एकदम आराम से लिखेंगे अच्छा माइनस 16 और गुने में माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 144 और 144 का वर्गमूल होता है 12 और यह सरासर गलत आंसर है। 144 का वर्गमूल बताते हैं 12 और ये सरासर आंसर गलत है। क्यों? ज्योमेट्रिक मीन है भाई। मीन का मतलब होता है माध्य और माध्य का मतलब होता है कि नंबर बीच में होना चाहिए। अगर -16 और -9 का कोई मीन पूछे, ज्योमेट्रिक मीन पूछे, तो रिजल्ट भी माइनस में आएगा। अगर यहां पे 16 और 9 होता तब हमारा जवाब होता 12, लेकिन सीरीज है माइनस में तो हमें जवाब 12 नहीं देना भैया, हमें जवाब क्या देना है माइनस 12। अगर दोनों नंबर प्लस में तो ज्योमेट्रिक मीन भी प्लस में होगा, अगर दोनों नंबर माइनस में तो ज्योमेट्रिक मीन भी किस में होगा माइनस में, क्योंकि आपने दूसरी क्लास में नंबर लाइन पढ़ा होगा तो उसी हिसाब से यह क्वेश्चन हुआ है। तीसरा क्वेश्चन भी जीपी पर है। अगर कभी भी 3 नंबर जीपी में हो, अगर कभी भी 3 नंबर जीपी में हो, मतलब कि यदि ए बी सी आपका जीपी में है, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आप एक छोटा सा रिजल्ट ध्यान रखेंगे कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। इसमें ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू। आसान क्वेश्चन नहीं है, बस दिखने में आसान लग रहा है। अब आगे देखिए, आप b की वैल्यू है भैया 2k प्लस 1, तो आप यहां पे लिखेंगे 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू है आपकी k माइनस 1 और c की वैल्यू है 6k प्लस 3। जितने भी मूर्ख वाले विद्यार्थी होंगे वो यहां पे स्क्वायर ओपन कर देते, स्क्वायर ओपन नहीं करना है। मुझे यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि यहां से कॉमन मिला 3। अगर आप यहां से 3 कॉमन ले लोगे तो 3 गुने 2k प्लस 1, इस 2k प्लस 1 से पावर 2 कैंसिल, तो हमने क्वाड्रेटिक को यहां पे रिप्लेस कर दिया। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में ध्यान रखनी होती हैं। क्वेश्चन खत्म। 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 1, 3k माइनस 2k बराबर k और ये प्लस 1, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना बना 2। इसका मतलब कि k की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, k की वैल्यू 2। इस क्वेश्चन में आपको सीखने से क्या मिला कि गधों जैसा हमें सॉल्यूशन नहीं लिखना पड़ता है। आप हर स्टेप पर यह सोचिए कि अगले स्टेप को कैसे आसान बना सकते हैं। इससे बेहतर तरीका आपको गणित में कहीं नहीं मिलेगा। केवल आपको ये हमें यह सोचना है कि अगले स्टेप में हमें क्या लिखना है, कौन सी चीजें हमें आसान करनी है। यह 12वीं का एग्जाम नहीं है कि आप लगातार केवल लिखते रहो, पेज भरते रहो,
ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अच्छा अगला क्वेश्चन है भैया एपी का, एपी का क्वेश्चन ये आसान है। आसान क्या, देखो अगर कभी भी आपका ए बी सी एपी में है, मतलब कि समांतर श्रेणी में है, अगर ए बी और सी समांतर श्रेणी में है तो इसी टाइप से एक रिजल्ट बनता है कि 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी, जिसमें ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान। तो आप यहां पे लिखेंगे 2 गुने b बराबर a प्लस सी, 2 से गुना करने पर आपको मिला 8n-4, a प्लस सी आप करेंगे तो यहां पे मिलेगा 6n-2, 8n-6n बराबर 2n और माइनस 4 को उधर करेंगे तो प्लस 4 और 4-2 बराबर 2, अगर 2n बराबर 2 है तो n बराबर कितना बना 1। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, ये लगभग हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब आते हैं कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, मैंने आपके सामने लिखा है, ये प्रॉपर्टी बहुत मेन है क्योंकि ये केवल यहीं पर अप्लाई नहीं होगा। यदि आपको मैं एक एग्जाम्पल और दे दूंगा, यदि इस वेराइटी का भी क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे प्रॉपर्टी वहां पर अप्लाई कर देने हैं। इस प्रॉपर्टी का रिलेशन सीखना है, केवल रटने से एग्जाम ही निकलता है, कंपेयर करो चीजों को लॉजिक से बना के उसको ध्यान रखना कैसे। देखो यहां पे अगर कभी भी भैया कॉम्बिनेशन में दोनों जगह n सेम हो, दोनों जगह n सेम हो और ये जो r का पोजीशन है ना इसमें अंतर एक का होना चाहिए तभी ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, नहीं तो ये प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगा। अगर यहीं पे r माइनस 2 होता तो ये प्रॉपर्टी हम नहीं लगा पाते। दोनों जगह n की वैल्यू सेम होनी चाहिए, r में अंतर होना चाहिए एक का, तभी ये प्रॉपर्टी लगा पाओगे। अब इसके आगे की बात सुनना, अगर यहां पे n होगा तो आपको आगे लिखना है n प्लस 1। इन दोनों में कौन सी वैल्यू ज्यादा है, इन दोनों में वैल्यू ज्यादा है r, इसका मतलब कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी n प्लस 1 cr। इसी पे एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं कि अच्छा 15c5 और प्लस में 15c4। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, भाई समय ज्यादा लगेगा, प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई करो। यदि आपको गणित में अच्छे नंबर लेकर आने हैं ना तो आपका प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। तो पहले हमें प्रॉपर्टी के बारे में देखना है कि अच्छा दोनों जगह n की वैल्यू सेम है, 5 और 4 में अंतर आपका एक क्या है, तो सारा मामला यहां पे सेट हो चुका। अगर यहां पे 15 आपको मिलेगा तो 15+1=16 लिखना है, 5 और 4 में अंतर एक का है, यह भी बात सही है। 4 और 5 में किसकी वैल्यू ज्यादा है, 5 की, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 16c5। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार आ चुका है। अभी हम लोग अलजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा उसके आगे चलते हैं कि और क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ 15c3r = 15c r + 3। तो हमें यहां पे r की वैल्यू बतानी भैया कि r की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इन x² + 2x + 1 के पावर 20। आगे बढ़ने से पहले मैं यही चीज बोलूंगा कि यदि आपकी तैयारी अधूरी है और आप अपनी तैयारी में एक 4 चांद लगाना चाहते हैं तो उसमें हम आपकी सहायता कर सकते हैं। और सहायता ये है कि आप फीस लेकर यहाँ पे एडमिशन कराने चले आइए, आपको बेटर यहाँ पे पढ़ाई की सुविधा, खाने की सुविधा और फिजिकल की सुविधा मिलेगी। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ i(n+i)(n+1)i(n+2)i(n+3। अगला क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ 1+i(1−i)(2n=1। तो हमें n की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है कि n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ
लॉग एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस पांच बराबर जीरो, तो एक्स का मान क्या होगा? अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने ये है, कुछ क्वेश्चन आप प्रोबेबिलिटी के लिख सकते हैं। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट, इस प्रकार से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.6, तो हमें यहां से भैया पी की वैल्यू बतानी कि पी की वैल्यू क्या होगी। पहले इतने क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे थोड़े से, चार पांच क्वेश्चन ज्योमेट्री के और दो चार क्वेश्चन डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के, फिर इसकी कहानी खत्म कर देंगे। देखिए आगे, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी आपके एग्जाम में मिले कि NCX बराबर NCY है, यदि NCX बराबर NCY है तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है कि X प्लस वाई बराबर N होगा। तो 3R+R+3 कितना होगा भाई? 4R+3 बराबर में 15, तो 4R बराबर 12, तो R की वैल्यू कितनी आई? 3। कहानी खत्म। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते कि इसमें क्या करें, जबकि ये ए स्क्वायर 2AB और बी स्क्वायर है, तो आप इसे डायरेक्ट लिखते हैं X प्लस 1 का होल स्क्वायर। 20 गुने 2 बराबर यहां पे कितना बन जाएगा? 40। अगर n की वैल्यू 40 है तो 40 प्लस 1 बराबर 41, इसका होगा पदों की संख्या, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म। ये क्वेश्चन भैया कम से कम 100 बार एग्जाम में आ चुका है, जब से डिफेंस का एग्जाम स्टार्ट हुआ है, जितने भी एग्जाम, हर एग्जाम में लगभग ये 10 बार क्वेश्चन पूछा है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आयोटा के केस में आपको लगातार 4 पावर मिलेगा, यदि आयोटा के केस में आपको लगातार 4 पावर मिलेगा तो डायरेक्ट आपको यहां पे वैल्यू बतानी है 0। अगर आयोटा के केस में आपको लगातार 4 पावर मिलेगा तो आपको डायरेक्ट वैल्यू बतानी है 0। आते अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट किया है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल पावर को किससे कंपेयर कर देना है? 4 से। कभी भी n के स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछे तो इस केस में आपको पावर को भैया 4 से कंपेयर कर देना है। अगर आप पावर को 4 से कंपेयर करेंगे तो यहां पे n की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अगर इसी क्वेश्चन में n स्क्वायर होता, अगर पावर की जगह n स्क्वायर होता कि अच्छा n स्क्वायर बराबर 4, तब भी हमारा n बराबर कितना होता? 2। अगर यहीं पे पावर में हमें 4n देता तो 4n की वैल्यू 4, तब n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आती? 1। तो जब भी आयोटा के केस में ऐसे क्वेश्चन आपको मिले और n का स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछे तो कुछ भी नहीं करना, पावर को केवल 4 से कंपेयर कर देना है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, आप मुझे खुद ही बताओ, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, इस 0 को हमें लॉग के टर्म में लिखना है तभी हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब कि 0 क्या होता है आपका? लॉग 1। लॉग से लॉग कैंसिल, तो आप यहां पे ये बात लिखेंगे कि अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 1 है। 1 को इधर लेकर आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, इसका मतलब कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर 0, तो x बराबर आपको यहां से कितना मिलेगा? 2। अगर यहां से भाई x बराबर 2 मिला तो इसकी भी कहानी खत्म हो चुकी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं, जिसको हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, इसमें केवल एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है, अच्छा वायरलेस वाला दोनों अरे अरे देखिए भैया बड़ी महंगा है।
अरे बटन तो बंद नहीं होगा, कोई बात नहीं, खुले रहेंगे। अरे नहीं, बाल दिखेगा, शादी भी नहीं होगी, बंद हो गया नहीं? उसको नीचे लगा दिया, इसके नीचे फाइन दे रहा। लाइट ही बंद हो गया। सोचो अगर ये स्पीड डिजिटल बोर्ड पे मैं रखूं, एक घंटे में कम से कम 200 क्वेश्चन हो जिस स्पीड से मैं चल रहा हूं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक इसलिए करा रहा हूं, कम से कम बच्चों को लगेगा कि टीचर को प्रोबेबिलिटी आता है। अगर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नहीं रखता तो उससे कि इसको प्रोबेबिलिटी आता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी का। भैया ये जो लैंग्वेज है ना, ये जो लैंग्वेज है, ये इवेंट है। इवेंट का मतलब होता है घटना, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र घटनाएं। इसमें केवल एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, क्या कि अगर कभी भी ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट हो, और अगर एग्जाम में आपसे ये पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो केवल आपको एक ही काम करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और गुने में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। अब दूसरा फॉर्मूला आपका क्या यूज होगा, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे भाई, P ऑफ A इंटू पी ऑफ B। अब आगे देखिए, सारी कहानी आपको दे रखा है, हमने यहां पे कुछ रॉन्ग तो नहीं लिखा ना। यहां पे आप यूनियन लिख लीजिए भाई, यूनियन है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0.4, B की वैल्यू P है और यहां पे आप लिखेंगे 0.4P, यहां पे आप लिखेंगे 0.4P। इसका मतलब कि यहां पे अभी आपको मिला 0.6p इज इक्वल टू में 0.2, तो यहां से जो p की वैल्यू आएगी, ये p की वैल्यू आएगी 1/3। तो यहां पे p का मान है भैया 1/3, p का मान 1/3 है। इसके आगे कुछ ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं, उन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से लिखते हैं फिर इसकी कहानी खत्म कर देते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है भैया, पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। दूसरा क्वेश्चन है, यदि सर्कल का इक्वेशन आपको दे रखा है 4x² + 4y² - 20x + 12y -15 = 0, तो इस सर्कल का रेडियस आपसे पूछ सकता है कि एग्जाम में इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। अगला क्वेश्चन सर्कल का ही है, तीसरा क्वेश्चन भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि सर्कल का इक्वेशन आपको दे रखा है x² + y² + 4x - 7y + 12 = 0, तो आपसे ये पूछेगा कि वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट बता दो। वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतःखंड, या फिर आपसे एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट पूछेगा, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट। अगला क्वेश्चन भैया इलिप्स का, इलिप्स का इक्वेशन आपको दे रखा है x² / 25 + y² / 16 = 1, इसका हमें इसेंट्रिसिटी बताना है कि इसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा है,
एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 इज इक्वल टू 1। तो हमें इसका बताना भाई लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई, कि लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई क्या होगी, लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई क्या होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है डिटरमिनेंट का, इफ 2, 3, 4, 5 इज इक्वल टू x3, 2x5। तो हमसे भैया x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा है, आप पहले क्वेश्चन बनाते रहिए, ये नहीं कि हम केवल बैठ के देखते रहें कि अच्छा टीचर क्या बोल रहा है, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है इसलिए आपसे ये सब क्वेश्चन अभी कंफ्यूजन है, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, इतने आसान नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया डिटरमिनेंट का ही, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री माइनस 75 डिग्री साइन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। बस डिटरमिनेंट के आपके ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे यार, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का मैं आपको लिखता हूं, ये जो क्वेश्चन लिखूंगा आप पूरा पेज भरोगे, लेकिन एक लाइन में कैसे जवाब देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लिखिए अगला क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 1, 3, 3, 4 ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5 i2, i2 का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर यहां पे 3 होता तो थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता, ये भी भैया आपका 0 के बराबर है, तो हमसे k का मान पूछा कि k का मान क्या होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन आप करिए और फिर इसके बाद हम दूसरे सेक्शन पे पहुंचेंगे। हाँ तो आपके सामने भैया कितने क्वेश्चन लिखे गए, 8, जल्दी जल्दी से 8 क्वेश्चन देखना है। पहला क्वेश्चन ये डिटरमिनेंट का है, लोग क्या करेंगे काम वहां पे कि अच्छा cos 75 की वैल्यू लिखो, sin 30 की वैल्यू लिखो, cos 30 की वैल्यू, ना जब भी अगर किसी दूसरे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिले हमेशा ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखो कैसे, इतना तो बात आप जानते हैं कि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो आप यहां पे लिखेंगे cos 75 डिग्री इंटू में cos 30 डिग्री, यहां पे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस बन गया प्लस, फिर आप यहां पे लिखेंगे sin 75 डिग्री और इंटू में sin 30 डिग्री। अब आपको देखने से पता चल गया कि अच्छा cos से cos भी है और प्लस sin है sin भी है, ये किस फॉर्मूले में मिलता है, cos a माइनस बी में। अगर यहां पे माइनस होता तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता cos a प्लस बी का, तो अगर ये cos a माइनस बी है तो 75 माइनस 30 कितना होगा, 45, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, 1/√2। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है, कुछ भी नहीं करना, 2 × 5 = 10, 3 × 4 = 12, 10 − 12 = −2, ये स्पीड होना चाहिए, अगर ये स्पीड होगा तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे, नहीं तो आप ऐसे बैठे रह जाओगे। देखो यहां पे 5x − 6x − x खत्म, x = 2, एग्जाम में केवल एक लाइन लिखना पड़ता है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे जब भी आप डिटरमिनेंट का क्वेश्चन करोगे। फिर मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक ही बात बोलूंगा, यदि आपकी तैयारी अधूरी है और अपनी तैयारी को यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो इंडिया में केवल एक ही कोचिंग ऐसा है, वो है एस्टा डिफेंस एकेडमी, यहां पे आप आके अपना एडमिशन लीजिए, आपको यहां पे अच्छी पढ़ाई, फैकल्टी यहां पे टॉप के हैं, खाना आपको ऐसा मिलेगा कि घर पे भी ऐसा खाना नहीं मिलता है, और यदि बात करें फिजिकल की, फिजिकल भी टॉप क्लास का, और संडे को हम क्रिकेट मैच भी खेलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का क्वेश्चन क्या है। अच्छा इससे पहले हम थोड़ा सा बोर्ड पे जो कचरा मचा रखे हैं उसको मिटा देते हैं, बोर्ड पे भैया जो हमने कचरा मचा रखा है इसको मिटा देते हैं। ये मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूरा ए स्क्वायर नहीं निकालना है, ना ही पूरा के गुने ए लिखना है, ना ही पूरा 5 × i2, केवल एक एक टर्म से आप कंपेयर करो, आपको इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले मिलेगा। हमें क्या करना है, इसमें भी हमें a11 एलिमेंट लेना है, इसमें भी हमें a11 एलिमेंट लेना है, और इसमें भी हमें कौन सा एलिमेंट लेना भाई, a11। a11 का मतलब होता है पहले रो का गुना पहले कॉलम में, भैया पहले रो का गुना पहले कॉलम में, तो 1 × 1 = 1, 3 × 3 = 9, 9 + 1 = 10, ये स्पीड होनी चाहिए, अगर ये स्पीड होगी तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं।
के गुने ए, ए वन वन यहां पे एक है तो के गुने वन बराबर एक के। केवल मैं एक एलिमेंट से क्वेश्चन बना रहा हूं, पूरा मैट्रिक्स हमें नहीं लिखना है। आप ये 12वीं का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो यार, कंपटीशन एग्जाम है। केवल हमें एक लाइन में जवाब देना है माइनस के। 5I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हो, पहला एलिमेंट क्या होता है एक, कहानी खत्म। माइनस में पांच, क्योंकि पांच गुने एक बराबर एक बराबर जीरो। 10 माइनस 5 बराबर 5, 5 माइनस k बराबर 0 है, तो आप खुद ही बताओ कि k बराबर यहां से कितना मिलेगा, 5। तो यहां पे k की वैल्यू 5 है। केवल एक लाइन में आपको आंसर लिखना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आप a11 से कंपेयर करो, आप a12 से भी कंपेयर कर सकते हो, a21 से भी और a22 से भी। किसी भी एक एलिमेंट से आप कंपेयर करिए और 2 सेकंड में आंसर प्राप्त करिए। आते भैया अगले क्वेश्चन पे, कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए, ज्योमेट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं। इलिप्स के क्वेश्चन पहले देखते हैं। आपसे भैया इसमें ये पूछा था, हमने क्या पूछा था इसमें यार, इसमें हमने पूछा था इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है उत्केंद्रता, आपको इसमें उत्केंद्रता बतानी है। कभी भी इलिप्स का क्वेश्चन मिले, इसेंट्रिसिटी के 2 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमें 2 फॉर्मूला नहीं ध्यान रखना है, केवल ये ध्यान रखना है e बराबर अंडर रूट में 1 माइनस स्मॉलर का स्क्वायर ऊपर और बिगर का स्क्वायर आपको कहां पे लिखना है भाई, नीचे। छोटी वैल्यू का वर्ग आपको ऊपर लिखना है और बड़ी वैल्यू की वर्ग आपको नीचे लिखनी है। तो आप मुझे खुद ही बताओ कि 25 और 16 में छोटा कौन है, 16 आपका छोटा है और ये 25 आपका बड़ा है, तो इसेंट्रिसिटी आप तुरंत से क्या बताओगे, 1 माइनस 16 बटे 25, क्योंकि ये बी स्क्वायर है और ये क्या है ए स्क्वायर, तो स्क्वायर के रूप में हमने डायरेक्ट लिखा है। ये नहीं कि यहां पे a बराबर 5 निकालो, फिर से 5 का स्क्वायर 25, b बराबर 4 निकालो, फिर से 4 का स्क्वायर 16, ऐसा हमें नहीं करना एग्जाम में। 25 माइनस 16 बराबर 9 और नीचे 25 है, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना है भाई, 3 बटे 5। तो इसेंट्रिसिटी आपको मिला 3 बटे 5। अगला क्वेश्चन इसी में, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या ध्यान रखना भाई, 2 गुने स्मॉलर का स्क्वायर और बटे में केवल बिगर। 2 गुने स्मॉलर का स्क्वायर और बटे में बिगर, बिगर का स्क्वायर नहीं लिखना है। जैसे अगर मैं आपको यह बताऊं, अगर ए बी से छोटा है तो आप यहां पे लिखेंगे 2a² और बटे में बी। अगर बी आपका छोटा है तो आप लिखेंगे 2 गुने b² और बटे में कितना a। स्मॉलर का स्क्वायर और बिगर का आपको केवल लीनियर इक्वेशन लिखना है, इसका स्क्वायर नहीं लिखना। देखो यहां पे आप, तो लेटेस्ट रेक्टम 2 गुने, इसमें भैया स्मॉलर कौन सी वैल्यू है, 9, ये खुद ही स्क्वायर में है तो मैं यहां पे लिखूंगा 9। बिगर की वैल्यू है 16, लेकिन ये बिगर का स्क्वायर है, बी स्क्वायर है। अगर बी स्क्वायर बराबर 16 तो बी की वैल्यू 4, 2 से 2 बार, तो सही जवाब इसका कितना है, 9 बटे 2। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप का मतलब होता है ढाल, कि किसी भी रेखा का हम ढाल कैसे निकालते हैं। केवल एक लाइन आप लिखना, केवल मैं क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहा हूं। आपको यदि इस डिजाइन पे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, आप हर क्वेश्चन करके आओगे, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट भी लिखते हुए चल रहा हूं। मेन चीज है ये, क्योंकि एग्जाम में इसेंट्रिसिटी इलिप्स का बहुत बार पूछ चुका है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बात करते भैया स्लोप, कोई भी लाइन आपसे पूछे 1 सेकंड में कैसे स्लोप निकालना है, कोई भी लाइन, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स और बटे में क्या लिखते हैं भाई, कोफिशियंट ऑफ वाई। माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स और बटे में कोफिशियंट ऑफ वाई। तो आप इस लाइन के बारे में बताइए कि इसका कोफिशियंट कितना है, 1/a, तो यहां पे लिखोगे -1/a। वाई का कोफिशियंट है 1/b, भैया ये बी पहुंचेगा ऊपर और ए आएगा नीचे, इसका मतलब कि ये रिजल्ट आपका कितना बना, -b/a, -b/ कितना a। जैसे अगर मैं एक लाइन और लिखूं, मान लो 3y = 5x और प्लस में 7 है, तो आप मुझे यहां पे खुद ही बताओ, हमने सही लिखा ना, हाँ सही लिखा है। अगर मैं यहां से आपसे स्लोप के बारे में पूछूं भाई, किसके बारे में पूछूं, स्लोप के बारे में, तो एक चीज तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि अच्छा वाई बराबर 5/3 × x और प्लस में क्या होगा, 7/3। एक लाइन का इक्वेशन होता है वाई बराबर mx और प्लस में c,
इसका मतलब कि m की वैल्यू कितनी है, 5/3। m की वैल्यू आपके सामने है 5/3। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और का क्वेश्चन बचा है सर्कल के, सर्कल के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दो क्वेश्चन आपका आखिरी है भाई मैथ्स में, सर्कल के दोनों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताता हूं और उसका आप गांठ बांध लीजिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी आपसे ये पूछे कि सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में 2fy और प्लस में c बराबर कितना होता है, 0। यहां से तीन बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये तीनों बातें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते जाओगे तो आप वहां पे ज्योमेट्री के क्वेश्चन एक भी नहीं कर पाओगे। पहला वेराइटी यहां पे क्या पूछ सकता है, अगर सर्कल का रेडियस पूछे तो रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर और माइनस में क्या लिखते हैं, सी। दूसरा पॉइंट भाई, अगर इंटरसेप्ट पूछे, अरे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतखंड, अगर वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट पूछे तब आपको क्या लगाना है, अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट पूछे तब आपको क्या लगाना है, ध्यान कैसे रखना है बताऊंगा अभी। वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट पूछेगा तो आपको बताना है 2 × अंडर रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी। एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट पूछे तो आपको बताना 2 × अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी। कैसे ध्यान रखना है, इसमें बढ़िया बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वाई एक्सिस में आपको यह ध्यान रखना है, वाई के साथ यहां पे एफ मिलता है तो यहां पे एफ स्क्वायर। एक्स एक्सिस में आपको यह ध्यान रखना है कि एक्स के साथ जी मिलता है तो यहां पे आप लिखेंगे जी स्क्वायर, कहानी खत्म। ये जो क्वेश्चन भैया ये जनरल फॉर्म पे अभी नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशियंट एक होना चाहिए तभी हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो आप एक बनाने के लिए 4 से भाग दे दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y और माइनस में 15/3 बराबर 0। देखते रहिएगा भाई, रेडियस हमें बताना है, ये 2g बराबर माइनस 5 है तो g बराबर 5/2 और माइनस 5/2 का स्क्वायर बनेगा 25/4। सही लिखा हमने, बिल्कुल सही है। 2f का मान है 3 तो f का मान 3/2 तो यहां पे बन गया भैया 9/4 और माइनस में 15/ कितना है, माइनस में 15/4 है, यहां पे 15/4 क्योंकि हमने 4 से भाग दिया था, कहानी खत्म। लेकिन यहां पे c बराबर माइनस 15/4 है तो ये माइनस माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस 15/4। तो एग्जाम में छोटे छोटे मिस्टेक हो सकते हैं, फॉर्मूले में हमें ध्यान रखना है। 25, 9, 34, 34, 15, 49, 49 का वर्गमूल होता है 7 और नीचे मिला 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। तो इस क्वेश्चन का रेडियस कितना है, 7/2, 7/2 7/2। इसमें देखो भाई, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट पूछा 2 × अंडर रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी भाई, लेकिन आप ध्यान रखेंगे वाई का कोफिशियंट लेंगे तो यहां पे 2f की वैल्यू 7 है तो f की वैल्यू 7/2, 7/2 का स्क्वायर कितना होगा 49/4 माइनस सी है तो आप यहां पे लिखेंगे माइनस 12, 2 × 12 = 48, 1/4 और 1/4 का वर्गमूल होता है 1/2, इसका इंटरसेप्ट कितना है 1, इसका इंटरसेप्ट कितना है भाई 1, हाँ सही है, इसका इंटरसेप्ट 1 आ रहा है। x एक्सिस का इंटरसेप्ट पूछे 2 × अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, 2g का मान 4 है, 2g का मान 4 है भाई, तो g का मान आपके सामने यहां पे कितना आएगा 2, सही तो हमने लिखा है, लेकिन इसमें y का x का इंटरसेप्ट पूछेगा नहीं, क्यों, वजह बता रहा हूं, क्योंकि अगर g का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 और 4 − 12 कितना होगा −8 और ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है, तो केवल यहां पे y का इंटरसेप्ट पूछेगा। हां अगर यहां पे दिया होता 8 तब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता था। तो भाई जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको गणित में बताए, इतने क्वेश्चन आप यदि एग्जाम में करके जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा ही नंबर मिलेगा। फिर से मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, अगर आपकी तैयारी अभी अधूरी है, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा जितने क्वेश्चन हमने कराए उतने क्वेश्चन से आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहां पे स्टैंड करती है, आपकी तैयारी कहां पे खड़ी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो इस पूरे इंडिया में केवल एक ही कोचिंग है जो आपकी तैयारी पूरी करा सकता है, उसका नाम है एस्टा डिफेंस एकेडमी।
तो यदि आप अपनी तैयारी को पूरी करना चाहते हैं तो होली के बाद हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उस नए बैच में आप पहले से एनरोलमेंट करा दीजिए, नहीं तो हमारे यहाँ सीट बहुत जल्दी फुल होता है, फिर आपको एडमिशन भी यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ यहीं पे आपका रहना भी होगा, यहीं पे खाना सब कुछ हम आपको यहाँ पे एक ही कैंपस के अंदर कराएंगे। खाने की क्वालिटी एकदम बेस्ट, घर पे भी ऐसा खाना नहीं मिलेगा जैसे यहाँ पे खाना मिलता है। दूसरी बात, जो टीचर्स यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे वो नंबर वन फैकल्टी हैं, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, चाहे वो रीजनिंग की बात हो, चाहे वो इंग्लिश की बात हो, चाहे वो मैथ्स की बात हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, आपको हर टीचर यहाँ पे बेस्ट मिलेगा। अभी हम लोगों ने मैथ्स वाला पार्ट देखा, अब हम देखेंगे अरिथमेटिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, केवल हमें लैंग्वेज पकड़ना होता है और कुछ भी नहीं। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट करता हूँ कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहली बात, मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखूंगा, केवल क्वेश्चन के डेटा लिखूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज बोलकर निकलूंगा कि क्या क्या लैंग्वेज आपको एग्जाम में देगा या फिर दे सकता है। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ आप तीन जगह से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, आप वेबसाइट से, वेबसाइट का मतलब है www.estaeducation.com से, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है आप इस पर अपना नाम और नंबर व्हाट्सएप करिए, फिर आपको इस उस नंबर पे व्हाट्सएप भेज दिया जाएगा जो भी पीडीएफ होगा। तीसरा, इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जो भी आपका पीडीएफ होगा वहां पे भी अवेलेबल रहेगा। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा, केवल आपको डेटा बोलते हुए चलूंगा। पहला क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, देखो मैं आपके सामने बताता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, इसे बोलते हैं त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता बोलते हैं, अगर कोई भी ट्रायंगल, मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, ध्यान से मेरी बात सुनना भाई, और ये दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। अगर मान लीजिए यहां पे एंगल है आपका थीटा और यहां पे एंगल अल्फा और यहां पे आपको एंगल कितना मिला बीटा। इधर आपको मान लीजिए एंगल दे दिया बीटा और इधर एंगल है आपका अल्फा और यहां पे एंगल है आपका थीटा। तो किस तरीके से ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल चलेगा, ध्यान से मेरी बात सुननी है। आप इसमें खुद ही बताओ कि थीटा के सामने कौन सा साइड मिला, तो आपका जवाब होगा एसी। इसमें थीटा के सामने कौन सा साइड है भाई, क्यू आर। इसमें आपको अल्फा के सामने मिला एबी और इसमें आपको अल्फा के सामने मिला पी आर। इसमें आपको बीटा के सामने मिला बीसी और इसमें आपको थीटा के सामने क्या मिला, क्यू आर। तो इन सभी साइड का जो रेशियो होगा ना वो आपस में सेम होता है और यही जो रेशियो है वो ट्रायंगल ए बी सी के पेरीमीटर का रेशियो डिवाइडेड बाई ट्रायंगल पी क्यू आर के पेरीमीटर के रेशियो के बराबर भी होगा। यही जो रेशियो है यही एरिया के अंडर रूट ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और डिवाइडेड बाई ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया, इन सभी का जो रेशियो होगा ना ये आपस में सेम होगा। तो जब भी ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपको मिलता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से, मतलब कि त्रिभुज की समरूपता। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, लेंथ ऑफ ए बी इज 16 सेंटीमीटर। तो इसने ये बोला कि अच्छा ट्रायंगल ए बी सी जो है ये पी क्यू आर के सिमिलर है, एक ही जैसा, एंड लेंथ ऑफ ए बी इज 16 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए बी इज 16 सेंटीमीटर एंड साइड पी क्यू इज 9 सेंटीमीटर। पी क्यू की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और इसने एक बात और बोला, कोरिस्पोंडिंग साइड, मतलब कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, इसके सामने आपको मिला 9 और इसके सामने मिला 16। तो कुल मिला के कहानी केवल इतनी सी है, 16 का स्क्वायर भैया होगा 256, क्योंकि एरिया का रेशियो हमें निकालना है, और 9 का स्क्वायर आपका होगा 81। ट्रायंगल एबीसी का एरिया 1024 दे रखा है, मतलब कि 256 की वैल्यू आपको 1024 दे रखी है
और 81 की वैल्यू आपसे पूछा है, तो ये आपका चार गुना है, इसमें भी आप चार से गुना करेंगे तो चार एकम चार, चार बटे 32, तो ट्रायंगल PQR का एरिया पूछा है जिसका आंसर आपका 324 है। केवल मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ये सिखाना चाह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कोरेस्पोंडेंस साइड का रेशियो वही रेशियो पेरीमीटर का, लेकिन एरिया के अंदर आ जाता है स्क्वायर रूट, क्योंकि साइड आपका होता है सेंटीमीटर और एरिया आपका होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए केवल एक ही तरीका है कि आपको दोनों तरफ रूट करना पड़ेगा। यहां से मैं एक बात और बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ABC का एरिया डिवाइडेड बाय ट्रायंगल PQR का एरिया इसके साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, इसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो वही काम हमने यहां पे किया है कि अच्छा 16 का स्क्वायर 256 और 9 का स्क्वायर 81। क्वेश्चन में हमें एरिया 256 नहीं दिया, क्वेश्चन में हमें 1024 दे रखा है, तो 256 पॉइंट की वैल्यू 1024, एक पॉइंट की वैल्यू 4, 81 गुने 4 बराबर 324, तो कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन केवल मैं बोल के निकलूंगा क्वेश्चन। दो ऐसे अंकों की पूर्ण संख्या की रचना करिए कि उनके अंकों का योग 14 है, उनके अंकों का योग 14 है। मान लीजिए कि हमने 2 डिजिट का नंबर मान लिया AB, मान लीजिए कि हमने 2 डिजिट का नंबर मान लिया AB और इनके अंकों का योग 14 है, मतलब कि A+B बराबर कितना है 14। मैं पूरा आंसर नहीं लिखूंगा, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करना था वो ऑप्शन में लिखूंगा। फिर इसने आगे ये बोला, पूर्ण संख्या के अंकों को परस्पर परिवर्तित करने पर प्राप्त पूर्ण संख्या दी गई पूर्ण संख्या से 18 अधिक है। कहानी का मतलब यह है, अगर ओरिजिनल नंबर AB है और इन दोनों अंकों को आपस में बदल दे तो यह संख्या क्या बन जाएगी, BA, और ये जो AB से BA बनाना, इन दोनों में अंतर आपको दे रखा है 18 का, इन दोनों में आपको अंतर दे रखा है 18 का। तो हमसे संख्या के बारे में पूछा कि इस AB का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को बेसिक नहीं करेंगे, ऑप्शन से आपको तुरंत से कैसे करना है, 77, 86, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 68 और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है 95, ऑप्शन से कैसे जाना है। अगर मान लीजिए हमने ऑप्शन उठाया 77, तो इसको पलटने पर भी आपको कितना मिलेगा 77, और आगे बढ़ने पर हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 0। जो ऑप्शन इंक्रीज 18 का देगा वही सही जवाब है, ऑप्शन ए गलत। अगर बी ऑप्शन में देखें, 86 को पलटने पर आपको मिलेगा 68 और 86 से 68 पर जाते तो 18 की कमी होती है ना कि वृद्धि, इसका मतलब कि दूसरा भी गलत। जहां पे ऐसा रिलेशन बनेगा वही ऑप्शन हमारा सही है। अगर तीसरा ऑप्शन हमने उठाया 68, 68 से हमें 86 पर जाना है तो 68 से 86 पर जाते समय आपको कितना जुड़ना पड़ेगा 18, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, सी। तो एग्जाम में जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप इस तरीके से एग्जाम में जा सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, हां ये क्वेश्चन देखना, 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 9, 12, 24 और 32 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 9, 12, 24 और 32 से पूर्ण विभाज्य है। मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करना है। आपके एग्जाम में ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन 9297, दूसरा ऑप्शन 9792 और तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 3992, चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 9872। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है कि इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसका जो बेसिक प्रोसेस है वो आपका LCM है कि आपको पहले LCM लेना पड़ेगा, फिर 5 अंकों की बड़ी संख्या में भाग देना पड़ेगा, उसमें एग्जाम में लगेगा सबसे ज्यादा समय। मेरा तरीका देखना कि 1 सेकेंड के अंदर कैसे क्वेश्चन को खत्म करना है। आप मुझे एक बात बताओ, जब संख्या को भाग देंगे तो ये 12 से भी भाग होना चाहिए और 12 में एक नंबर है 2, 2 से कौन सी संख्या भाग होती है जो इवन नंबर होता है।
इसका मतलब कि ऑप्शन ए तो हमारा नहीं हो सकता, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल गलत है। हमें यहां पे एक स्पेशल नंबर और दिखा, 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी, 9 से। तो वो चीज मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं। ये एग्जाम के एज इट इज क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे, ऑप्शन भी आपको यही मिलेगा। तो 9 का रूल अप्लाई करते हैं, 9, 9, 18, 18, 9, 27, 2, 29। क्या 9 से डिवाइड होगा, ना, ये नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन 9, 7, 16, 16, 9, 25, 25, 2, 27, ये हो सकता है। 9, 8, 17, 17, 7, 24, 2, 26, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन आपका कौन सा बचा, बी। तो एग्जाम में आपको ये तरीका अपनाना होता है। बेसिक यदि आपको बेसिक वीक है और आपकी तैयारी अधूरी है, तो वही चीज मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, अगर आपकी तैयारी अधूरी है, यदि आपने कहीं पे कोचिंग लिया और ऐसे तरीके आपको नहीं सिखाए गए, तो ऐसे तरीके केवल आपको यहीं पर सिखाया जाएगा। तो इस तरीके से सीखने के लिए, अपनी तैयारी को पूरी करने के लिए, आप एस्टा डिफेंस एकेडमी में आकर एडमिशन लीजिए। कहीं से भी आप आ सकते हैं, चाहे तमिलनाडु से हो, चाहे केरल से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप यहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ के जो टीचर्स हैं वो अपने आप में टॉप क्लास के हैं। खाना जो है उसका तो कोई तोड़ी नहीं है, खाना आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट मिलेगा। तीसरी बात, यहाँ पे आपको हम लोग का खुद का ग्राउंड है, आप वहाँ पे फिजिकल कर सकते हैं। संडे को यहाँ पे क्रिकेट मैच भी होता है। तो यदि आपको वाकई में डिफेंस में जाना है और आपका सपना है डिफेंस में सेलेक्ट होना, तो आप यहाँ के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8 आदमी और 12 महिलाएं किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 आदमी और 14 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 40 महिलाएं किसी काम पर अलॉट हुए तो इस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो ये बात मेरी सुनिए कि आपको एग्जाम में कैसे जाना है। इसने पहला क्वेश्चन बोला, पहला लाइन, 8 आदमी और 12 महिलाएं किसी काम को भैया 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 आदमी और 14 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो जो काम यहां पर हुआ वही काम यहां पर है, तो इन दोनों को कर दो आपस में सेम, कहानी खत्म। 4 × 8 = 32 एम प्लस 12 × 4 = 48 W, 5 × 6 = 30 एम और 14 × 5 = 70 W। 32 − 30 = आपका बनेगा भैया 2 M, 70 − 48 आपका होगा 22 W। अगर 2M = 22 W है तो M/W आपका होगा 11/1। इसका मतलब कि एक आदमी का इफिशियंसी है 11 और एक महिला का इफिशियंसी है आपका 1। बिल्कुल हमने सही लिखा है, 48 × 2 = 50 = 70। अभी हमें यहां से भैया टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे, M की वैल्यू 11 रखो और W की वैल्यू 1। 11 × 8 = 88, 88 + 12 = 100 और 100 × 4 = 400। इसी काम को 40 महिलाओं के द्वारा करवाना है और एक महिला का एक दिन का काम है 1, तो 40 महिलाओं का एक दिन का काम होगा 40 और 400/40 = कितना बना, 10 दिन। आपके सामने 10 क्वेश्चन रीजनिंग के लिखे गए हैं। इन 10 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जब भी आपको एग्जाम में सीरीज के क्वेश्चन मिले, जब भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन मिले, तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ना है और किस तरीके से इसमें लॉजिक को लगाना है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अल्फाबेटिकल सीरीज ATEUIVOW फिलिंग द ब्लैंक्स X। जब आप इस चीज को ऐसे पढ़ेंगे तो कुछ भी लॉजिक पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे यहां पे दिख रहा है AEIO और O के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है भाई, U। तो यहां पे वॉवेल का सीरीज था, यहां पे वॉवेल की सीरीज आपके सामने चल रही थी। एक एक का गैप देके AUEIOO के बाद कौन सा वॉवेल होता है, U। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, U।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखने से ये पता चला कि ना तो ये सम ऑफ पोजीशन पे क्वेश्चन है और ना ही सम ऑफ अपोजिट पोजीशन पर क्वेश्चन है। तो हमें इन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, सीधे सीधे आप देखिए कि इस वर्ड में आपको नंबर ऑफ अल्फाबेट कितना मिला, 6। तो इसने 6 को 5 लिखा, मतलब कि एक कम करके। बिलीव्ड में आपको भैया, बिलीव्ड में आपको टोटल अल्फाबेट यहां पे मिला 8, टोटल आपको 8 मिला, 8 में एक की कमी करके 7। तो एग्जामिनेशन में भी वही अप्लाई कर दो, 3, 3, 6, 3, 9, 11, 11 में से एक माइनस करोगे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 10। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब भी सीरीज बहुत तेजी से बढ़े तो या तो समझिए कि इसमें स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक है या फिर गुना का लॉजिक हो सकता है, लेकिन एक के बाद दो, दो से गुना, दो के बाद दस, पांच से गुना, कोई गुना का लॉजिक यहां पे नहीं बन पा रहा है। तो मैं यहां पे ये सोचूंगा कि अच्छा किसका लॉजिक हो सकता है, तो यहां पे देखने से ये पता चला कि 100 के आसपास है, मतलब कि 10 का स्क्वायर और प्लस में 1। 37 36 के आसपास मिलता है और 36 जो है 6 का स्क्वायर और प्लस में 1। ये जो 10 है ये 3 का स्क्वायर और प्लस में 1। ये जो 2 है ये 1 का स्क्वायर और प्लस में 1। ये जो 1 है ये 0 का स्क्वायर और प्लस में 1। तो ऐसा नंबर हमें ढूंढना है कि जिसका स्क्वायर हो और उसमें हो जाए भैया प्लस 1, जिसका स्क्वायर हो और उसमें प्लस 1। तो एक ही ऑप्शन है आपका 226, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 और 225 में एक जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 226। कहानी खत्म यहाँ पे। नहीं तो दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हो कि अच्छा 0 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 15, क्योंकि यहां पे 4 जोड़ा तो आगे 15 जोड़े, 5 जोड़ेगा, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने ये सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि सी का जो अपोजिट पोजीशन होता है, अपोजिट पोजीशन ये 24, बी का अपोजिट पोजीशन 25, आर का अपोजिट पोजीशन 9। तो ये जो क्वेश्चन था ये अपोजिट पोजीशन पर था, अपोजिट पोजीशन पे ई का पोजीशन होता है 5 और जबकि अपोजिट पोजीशन होता है 22, बस 27 में से पोजीशन को घटा दिया करो, कहानी खत्म। तो ई का अपोजिट पोजीशन होता है भाई 22, ए का पोजीशन 1, 27 माइनस 1 बराबर 26, आर का पोजीशन 18, 27 माइनस 18 बराबर 9। तो इसका अपोजिट पोजीशन कितना बना, 9, कहानी खत्म। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड एंड मिनट एंड। 4:20 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण आपसे पूछा है। तो जब भी आपसे एंगल पूछे केवल एक फॉर्मूला लगा दो, 11/2m और माइनस में 30h, 11/2m माइनस 30h, कहानी खत्म। ये भाई दरवाजा नहीं है, इसका मतलब है मॉडुलस। अगर अंदर नंबर माइनस में आएगा तब भी आपको रिजल्ट प्लस में लिखना है। तो देखिए यहां पे m का मतलब कि मिनट का समय, h का मतलब आवर का समय, कहानी खत्म। 11/2 × 4, 2 से 2 बार, यहां पे बना 22, 30 × 20, सॉरी मैंने यहां पे मिनट की समय लिखना, मिनट का समय, मिनट का समय है 20, 2 से 10 बार और 11 दामे आपको मिला यहां पे 110, 30 × 4 = 120, 110 − 120 − 10, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना है, 10 डिग्री, कहानी खत्म। तो जब भी आपके एग्जाम में एंगल पूछे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ज्यादा माथा पच्ची वहां पे नहीं करना है। 11/2m और माइनस 30h, m का मतलब है मिनट का टाइम और h का मतलब है आवर का टाइम। जैसे यहां पे आवर का टाइम आपको 4 दे रखा था और मिनट के पोजीशन पे आपको टाइम दे रखा था 20, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाले सीरीज पर है, फिलिंग द ब्लैंक्स पे। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको पूरा फिल नहीं करना है। मुझे यहां पे एक लॉजिक दिख गया एनसीबी, मुझे यहां पे एक लॉजिक दिखा एनसीबी, इसका मतलब कि एन और बी के पोजीशन में सी आना चाहिए, एन और बी के बीच में सी आना चाहिए। तो ये पूरा क्वेश्चन हमें नहीं करना है, इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से करना था। तो सुनिए मेरी बात भैया, ये जो हमने सी फिल किया ये दूसरे पोजीशन पर है, ये सी दूसरे पोजीशन पर है, तो कौन से ऑप्शन पे दूसरे पोजीशन पर सी मिलेगा।
जिस ऑप्शन पे दूसरे पोजीशन पर सी होगा वही हमारा सही जवाब है। क्या यहां पर सी है? नहीं हो सकता। क्या दूसरे पोजीशन पर सी चाहिए भैया? दूसरे पोजीशन पर। क्या दूसरे पोजीशन पर सी है? नहीं। क्या दूसरे पोजीशन पर सी है? नहीं। दूसरे पोजीशन पर सी है? बिल्कुल। तो आपका सही जवाब क्या है? डी। जब भी फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आएगा आपको यही लॉजिक लेकर चलना है। मैंने लॉजिक क्या बताया? मुझे यहां पे दिखा एन सी बी, मतलब कि एन और बी के बीच में सी आना चाहिए। तो यहां पे एन और बी के बीच में क्या आना चाहिए? सी। और ये सी हमने दूसरे पोजीशन पे फिल किया, तो जिस ऑप्शन में दूसरे पोजीशन पर सी होगा वही हमारा जवाब। यहां पे दूसरे पोजीशन पर बी मिला, नहीं हो सकता। इसमें दूसरे पोजीशन पर ए मिला, नहीं हो सकता। इसमें दूसरे पोजीशन पर बी मिला, नहीं हो सकता। यहां पे दूसरे पोजीशन पर सी मिला, इसका मतलब इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका मिसिंग नंबर का है, कुछ भी नहीं है। जब भी आपको बड़ा नंबर नीचे दिखे इसका मतलब कि आपको टॉप टू बॉटम सॉल्व करना है। अगर जब भी बड़ा नंबर यहां पे दिखे तो आपको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हुए चलना है। पहला लॉजिक आपको यह ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं। भैया इस 65 पे थोड़ा सा सोचो कि ये 65 हमारा क्या है। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के नंबर याद होंगे ना तो आप ऐसे क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में लॉजिक से निपटा सकते हो। तो देखो यहां पे ये जो 65 है ये 64 के आसपास है और 64 आपको पता है कि 8 का स्क्वायर होता है प्लस 1। तो लॉजिक समझ में आ गया, किसने 8 का स्क्वायर किया और ये प्लस 1 कर दिया, 5 का स्क्वायर और प्लस में 9। तो यहां पे क्या रिजल्ट बनेगा? 7 का स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 52। तो 52 - 49 = 3। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना है? 3 है। कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर आठ भी सीरीज पर है। देखते रहिएगा भाई। जब भी सीरीज तेजी से बढ़े तो समझना है कि पहले गुना पर आधारित होगा, लेकिन यहां पे गुना से आपको कोई भी लॉजिक नहीं मिलेगा। तो क्यूब और स्क्वायर पे चले जाओ। मुझे यहां पे ये दिखा कि 1 और 5 का डिफरेंस कितना है? 4। 5 - 21 का डिफरेंस 16। लॉजिक पकड़िएगा भाई। 21 - 27 का डिफरेंस 36। 57 और 121 का अंतर कितना बनेगा? 11 में से 7 गया आपका यहां पर बना 4। 11 में से 7 गया 4 और यहां पे बना भाई 10। 10 में से 5 गया पे कितना बना? 5। तो 4, 16, 36 और 54। 54 नहीं आएगा यहां पे, 64। कहानी खत्म। ये जो 4 है ये भैया 2 का स्क्वायर है, ये 16 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर। तो आपने यहां पे क्या देखा कि ये इवन नंबर का सीरीज चल रहा है, तो आगे आपको 10 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा और 10 का स्क्वायर 100। 121 में 100 जोड़ोगे तो आपका जवाब क्या बनेगा? 221। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 सीधे सीधे दिख रहा है। 3 और 28 का एक ग्रुप बनाइए, 4 - 65 का एक ग्रुप, 5 और 126 का एक ग्रुप। क्योंकि जो यहां पे 28 है ये 3 का क्यूब और प्लस 1 है, ये जो 65 है ये 4 का क्यूब और प्लस 1 है, ये जो 126 है ये 5 का क्यूब और प्लस 1 है, ये जो 6 है 6 का क्यूब 216 और 216 प्लस 1 बराबर 217। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है? 217। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखने से आपको पता चल रहा है कि ये क्यूब पर क्वेश्चन है क्योंकि 216 के आसपास था, ये 125 के आसपास है, ये 64 के भैया आसपास है, ये 27 के आसपास है। कहानी खत्म। 3 का क्यूब - 3 = 24, 4 का क्यूब - 4 = 60, 5 का क्यूब - 5 = 120, 6 का क्यूब - 6 = 210, 6 के बाद आता 7, 7 का क्यूब 343, 343 - 7 = 336। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे तो आप यही कॉन्सेप्ट लगाइएगा, यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। भैया जीएस के 7-8 क्वेश्चन करके ये जरूर जाना क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सबसे पहले आना चाहिए एस्टा डिफेंस एकेडमी। यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आप अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट एकेडमी आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, ना तो इससे बेस्ट फैकल्टी और ना इससे बेस्ट खाना।
खाने पे मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पढ़ाई से पहले खाना आता है, तो यहां पे खाना सबसे बेस्ट मिलता है, हम लोग भी वही खाना खाते हैं। तो मैं आपके सामने 7-8 क्वेश्चन जीएस का लेकर आया हूं, ऐसे क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से मिल सकते हैं, तो ये इन सब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Who said you give me blood I will give you freedom। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। ये सब जो नाम है ना, ये कंफ्यूजिंग नाम है, आप इनमें फंस सकते हो। और किन दो में फंसोगे कि यार सुभाष चंद्र बोस होगा कि भगत सिंह, क्योंकि ये दोनों एक ही टाइम के हैं, सुभाष चंद्र बोस होगा कि भगत सिंह, तो आपको लगाना किस पे, सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। पहला ऑप्शन मिल्खा सिंह, दूसरा ऑप्शन पीटी उषा, तीसरा ऑप्शन करम सिंह, चौथा ऑप्शन केडी जाधव। तो आपको पता है कि अभी ओलंपिक्स हुआ था, जो भी चीजें हैं आपको ओलंपिक्स की जानकारी होनी चाहिए तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे, तो इसका जो सही जवाब है वो है केडी जाधव। अगला क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिशियो ऑफ इंडिया। एक्स ऑफिशियो को एक नाम से और जाना जाता है, इसे बोलते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा जानते हो ना, जहां पे एक दूसरे से होती है लड़ाई, राज्यसभा, वही राज्यसभा है। हु इज द एक्स ऑफिशियो ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन है आपके वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर, और ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको सही जवाब मिलेगा वाइस प्रेसिडेंट को टिक करने पर, तो आपको सही जवाब देना है वाइस प्रेसिडेंट, इसका मतलब होता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बोलते भाई इसे, वाइस प्रेसिडेंट को उपराष्ट्रपति। हु इज द फर्स्ट सीडीएस, सीडीएस का मतलब ये नहीं है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, इसका मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आपके ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, इनको कौन नहीं जानता होगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट है आपका, इसके आगे ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता था कुछ समय पहले एक फाइटर जेट क्रैश हुआ था जिनमें इनका निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, हु इज द चीफ कमांडर ऑफ आर्म फोर्स। पहला ऑप्शन है सीडीएस, दूसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट, तीसरा डिफेंस मिनिस्टर, चौथा प्राइम मिनिस्टर। कई बच्चे सीडीएस डिफेंस मिनिस्टर पे तुक्का मार के आ जाएंगे क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड है, लेकिन ना, इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, विच इज इंडियाज फर्स्ट सेल्फ डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। ऑप्शन है आपके INS विक्रांत, INS विक्रम आदित्य, INS कलकुर्नी, जो भी है ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है INS विक्रांत, भैया सही ऑप्शन लगा के आना, INS विक्रांत। वेन वॉज प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज 10th मार्च 1950, 15th मार्च 1950, 20th मार्च 1950, 16th मार्च 1951। तो भैया इसका सही जवाब है 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। कैसे ध्यान रखोगे, देखो इस चीज को कैसे ध्यान रखोगे, देखिए ऐसे लॉजिक बनाया जाता है, 15 मार्च है भैया, 15 मार्च 1950, आप मुझे खुद ही बताओ 9 1 10 और 10 5 कितना, 15 मैच करना चाहिए। अगर ईयर का एक लॉजिक ये निकला, यदि ईयर में डिजिट का सम डेट के बराबर आ जाए तो वही प्लानिंग कमीशन पे लगाना भैया, देखे ऐसे ऐसे पढ़ाया जाता है प्लानिंग कमीशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, हु इज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरा ऑप्शन है सी राजा गोपालचारी, और चौथा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपको सही ऑप्शन लगाना है सी राजा गोपालचारी पर। तो देखो ऐसे लॉजिक बनाए जाते हैं याद करने के,
अगर आपको कभी भी डेट याद ना हो तो ये सब लॉजिक बनाइए, और ये लॉजिक सीखने के लिए आपको पैसे लेकर आना पड़ेगा स्टार डिफेंस एकेडमी, तभी आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है और आप सोचते कि हमें डिफेंस में सेलेक्ट होना है, तो आप ज़रूर यहाँ पर आइए। बेहतर खाना, बेहतर पढ़ाई, बेहतर फिजिकल, इससे बेस्ट आपको कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा। इस एनर्जी से आप समझ सकते होंगे कि जब हमारी ऑफलाइन क्लास होती है तो हम किस एनर्जी से बच्चे को पढ़ाते हैं, किस तरीके से उन्हें समझाते होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एक शेयर से हो सकता है आप ऐसे खाली बैठे होंगे लेकिन किसी दूसरे बच्चे का एग्जाम निकल सकता है। तो दूसरों की सहायता करें, जब तक दूसरों की सहायता नहीं करेंगे भगवान आपकी सहायता कभी नहीं करेगा। तो सहायता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है इस वीडियो को शेयर करें, फैला दे पूरे YouTube पर। फिर उसके बाद यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो समझ लीजिएगा मैं अलग से 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मैं धीरज सिंह।